हाँ, अब बात करते करते खुले मंच में आवाज़ के संबंध में जो प्रयोग किया, आवाज़ के जो पर्सपेक्टिव मैंने बताया, वो प्रयोग करके बताया, करने वालों को भी एक तरह से महसूस हुई और हमको भी पता लगा कि उसकी क्या विशेषता, क्या खूबी है। कि सुबह प्ले रीडिंग के टाइम पर भी ये आवाज़ के बारे में मैंने कुछ खास बातें कही, क्योंकि पहले यही कहा कि ये रीडिंग ऐसा होना चाहिए कि रेडियो प्ले जैसा लगे, कि रेडियो प्ले अपने आप में पूर्ण हो लगता है, हालांकि सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ है, कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता। तब मैंने कहा हमारे दृश्य और श्रव्य में एक बड़ा अंतर है। श्रव्य में अपने आप एक कंसिस्टेंसी आ जाती है, और कंसिस्टेंसी चाहिए। जो श्रव्य में कंसिस्टेंसी टूट जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने हमारे आंखें एकदम एक नदी देख देती है, आंखें थोड़ी देर के बाद एकदम पहाड़ आंखें देखती हैं, उसके बाद एकदम बड़ी बिल्डिंग दिखती है, हाँ देखती है बस। तो तीनों में कोई एक संबंध नहीं, लेकिन आवाज़ कैसी बात नहीं, आवाज़ सचमुच वो कंटिन्यूशन में है। एक आवाज़ चलती है तो उसका संबंध, जब तक उसके संदर्भ खत्म नहीं होता तब तक उसके एक कंसिस्टेंसी है। उसने तो सिनेमा को उदाहरण दिया था कि दृश्य में देखो तो खुद दो, एक लॉन्ग शॉट है, मिड शॉट है, क्लोजअप है, और इसमें कोई हमको अजीब नहीं लगता, इतना बड़ा जंप है, एक लंबा आदमी पूरा 5-6 फुट का, 5 फुट का आदमी दिखाई पड़ता है, उसके बाद एकदम आधा दिखाई पड़ता है, उसके बाद क्लोजअप आता है, लेकिन ये सहज लगता है क्योंकि हमारी उस भाषा के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन उसकी तरह से आवाज़ को उस तरह से क्लोज लॉन्ग शॉट के लिए एक बहुत दूर की आवाज़ हो, और एकदम जंप करके मिडिल शॉट के लिए बिल्कुल जंप करें आवाज़ में, इस तरह क्लोजअप में और जंप करके आवाज़ दिखाएं, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि म्यूजिकली सचमुच अपनी अपने ही एक सहज गति होती है। उस पर मैं ज़्यादा जोर दिया था, इसलिए मैंने उस वक्त ये भी कहा कि देख अपने पिच का जानने के पहले अपने रेंज का भी पता लगना चाहिए कि आवाज़ किस नीचे से शुरू होती है और कैसे ऊपर तक पहुंच जाती है। उसके बाद वॉल्यूम का भी बताया, यही बता उनके लिए बहुत जोर दिया कि बहुत 2 दिन से भी मैं यही बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ ये नहीं कि दूसरे की आवाज़ से डिफरेंट होना, बल्कि अपने ही संवाद में 2-3 अगर डायलॉग हो तो उसमें भी अपनी टेम्पो को और अपनी पिच को बदल के बड़ी ड्रामेटिक क्वालिटी पैदा की जा सकती है। इसलिए आवाज़ की ज़्यादा लक्षण है। और मैंने ये भी कहा कि भरत मुनि ने जो भी कहा वो 4 तरह का अभिनय है, आंगिक, वाचिक, आहार या सात्विक। मैंने कहा कि एक्टर सबसे पहले वाचिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही उसके कम्युनिकेशन का पहला हिस्सा है। उसके बाद आंगिक है, और आंगिक के लिए हमको बड़ी सुविधाएं भी हैं, कई सीखते हैं, कई स्कूल्स हैं। वाचिक के लिए ही स्कूल्स नहीं मिलती है, क्योंकि हम लैंग्वेज के बारे में हमारी सोसाइटी ही जो है उतना ध्यान नहीं दे रही है। अब बाकी चीज़ के लिए क्योंकि एक कैप्सूल में मिलता है, एक मार्शल आर्ट के कैप्सूल में मिलता है, योगा के कैप्सूल में मिलता है, लेकिन आवाज़ के लिए क्या करें, वो क्लासिक म्यूजिक तो है ही नहीं। और स्पीच है, स्पीच में वॉइस का काम है, और इस वॉइस का काम क्या है इसका बहुत कम ज्ञान है, और सचमुच ये हमारे पूरी ट्रेनिंग की सिस्टम की भी कमी है। लेकिन भरत मुनि ने वाचिक पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जो भी है, जो भी अर्थ मिलता हमको, अगर वो साउंड से भी मिलता हो वो मीनिंगफुल हो गया है। और जब एक बड़ा भारी शब्द होगा लेकिन हमको कोई मतलब मिलता नहीं होगा, वो एक तरह से निरर्थक है। इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ कि वॉइस और नॉइस में क्या फर्क है। जब मीनिंगफुल है तो वॉइस है, और वो वही वही वॉइस अगर मीनिंगफुल नहीं हो तो नॉइस हो जाता है। तो ये उदाहरण जो है वाचिक भाषा से ही हमको उदाहरण मिलता है। लेकिन बच्चे जब बोलते हैं हम सब कहते हैं कि बच्चे शोर कर रहे हैं, नॉइस कर रहे हैं। बड़े लोग बोलते हैं हम कहते हैं ये तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वॉइस होती है वो। ये आज मैंने उसको उदाहरण दिया था और कहा था कि अपनी आवाज़ को पहचानने के साथ अपनी भाषा को पहचानना, और भाषा बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए टॉकिंग और स्पीकिंग में कल से मैं जो अंतर बता रहा था आज भी उसको बताया, इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर इस नाटक में अंधेर नगरी में कई तरह के लेवल हैं,
आवाज के, ध्वनि के या वॉइस के, और भाषा बोलने के भी, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर हैं और वो भी सोसाइटी के अलग अलग ऐसे नौकरी पेशा और काम करने वाले, जैसे मिस्त्री है, कुम्हार है, ये सब, और उसका अपना कैरेक्टर भी है, ये कैसे बोलेंगे, उनकी आवाज़ कैसी होगी। इसलिए मुझे ये कहना पड़ा, देखिए कहाँ कहाँ अपना विराम लगाते हैं या पॉज लगाते हैं, तो पॉज में लगाने से ही कि भाषा कैसी बनती है, और वो रिटर्न में फॉर्म एक अलग होता है, ये विराम वगैरह, लेकिन बोलने का अपने एक विराम होता है। इसलिए ये सारा आज बताने की मैंने कोशिश की। बोलो, ये मुझे मानना चाहिए, यहाँ गुड़ में नियनासम के जो कोर्स चलता है 1 साल का, उस लड़कों के बीच में एक काम करने का मौका मिला, इसलिए मुझे प्रोसेस पर ज़्यादा जोर देना ज़रूरी था यहाँ, क्योंकि उनके लिए सिर्फ उनसे नाटक कराना इम्पोर्टेंट नहीं था, दूसरी जगह करते सिर्फ नाटक करना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो चाहे NSDC के रेपर्टरी में ही क्यों ना हो, आखिर वो एक नाटक ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये स्कूल होने के वजह से, और वो भी अब शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आवाज़ के बारे में हो, नाटक पढ़ने के बारे में हो, इसलिए मैंने कहा था रीडिंग भी करें तो आवाज़ करके पढ़ना चाहिए, जो ही आंखों से पढ़ना ये एक्टर के लिए बहुत ही गलत है। इसलिए कुछ भी हो, एक चिट्ठी भी लिखें या चिट्ठी पढ़ें, बोल के पढ़ लिखना चाहिए, बोल के पढ़ना चाहिए, मैंने ये सब पार्ट ऑफ ट्रेनिंग उनका ट्रेनिंग है, ऐसा मैंने उनको जोर दिया। और ये प्रोसेस मेरा यही है कि सबसे पहले आदमी कैसे खुलता है, एक तो या तो फिजिकली खुलता है, दूसरा अपने स्पीच में खुलता है। और हमारे यहाँ जो समाज का जिस तरह से जो समाज के चक्र चलता है, आदमी पहले खुलता है एक तरह से अपने वाणी से, अपने वाचिक भाषा से, तो बच्चों से भी बात करते हैं, बच्चों को खुलता नहीं डरता है, तो फिर बातचीत से हम बात खुलवा देते हैं। इस रूप में ये प्रोसेस में कि वाचिक भाषा क्या होती है, किस तरह से, कितनी तरह से होती है, क्योंकि उसमें सारे भाव आते हैं, और जितने नाटक के आचार्य लोगों ने कहा उससे ज़्यादा भाव है, और उससे ज़्यादा काकू है, उसके टेढ़ापन है, जो मीनिंग से अलग अलग जितना होता है, और वो भी आदमी के ऊपर, सोसाइटी के अलग अलग उसके चीज़ें होती हैं, उसमें बोलियाँ जब आती हैं तो और ज़्यादा उसके अर्थ निकलते हैं, और जो ये सारी जो है भाषा एक संपूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है, हमारा व्यवहार बन जाता है, वो सिर्फ मैसेज देना नहीं, इतना ही एक संदेश देना ही नहीं, बल्कि टोटल अपनी पर्सनालिटी को रखना होता है, ये प्रोसेस है। उसके बाद मैं फिर बॉडी के लिए रखता हूँ, क्योंकि पहले से ही इतना तो उनसे कह ही देता हूँ, क्योंकि काली वाचिक क्यों नहीं आती या काली भाषा नहीं आ सकती, उस भाषा के साथ एक वाचिक अभिनय भी होता है, जो कुछ कहेगा उसका शरीर का कोई ना कोई हिस्सा साथ देगा, तभी उस पर उसका जोर पड़ता है। इसका कुछ मैं कहीं कहीं बहुत उदाहरण भी देता हूँ कि ये अंग चेष्टा जो बोलते हैं, अंग भंगिमा जो बोलते हैं, खासकर हाथ हाथ उंगलियाँ इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, और उसके बिना तो कभी कभी वो ऐसा लगता है कि कोई जजमेंट तो नहीं दे रहे हो, कि अदालत में सचमुच का जज ज़्यादा हाथ वात का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, या मुझे लगता है चेहरे पर भी एक ही भाव लाएगा, ऐसा नहीं है, थिएटर का आदमी दुनिया का आदमी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसके अपने भाव को प्रकट करने के लिए ध्वनि के साथ और भी चीज़ें लेनी पड़ती है। इसमें रेलवे स्टेशन के भी उदाहरण अक्सर मैं दिया करता हूँ कि रेलवे स्टेशन में हर तरह की हर चीज़ें हैं, लेकिन जब रेल छूटती है तब रेल के बाहर रहने वाला और रेल के अंदर रहने वाले के बीच में जो संवाद होता है, एक रेल की आवाज़ है, दूसरी आवाज़ दूर होती जा रही है, तब सिर्फ चिल्ला के हाव भाव उसको बोलते हैं, हाव माने चेष्टा है, अंग की चेष्टा है, और भी इतनी ज़बरदस्त होती है, और भाव जो भाषा बनती है, जैसे घर
जाके चिट्ठी लिखना, जैसे एक शॉर्ट हैंड भी है लेकिन इसमें एक्शन भी दिखाता है और पूरा वाक्य नहीं बन पाता। ये सर मैंने इसकी प्रोसेस उनको अक्सर बताता हूँ। सर उसके बाद कैरेक्टर के संबंध में भी जो भाषा का स्वरूप बनता है वो भी प्रोसेस ही होता है। मैं मेकअप पर बहुत कम ध्यान देता हूँ, या शायद मैं ध्यान दे नहीं पाया, शायद एक एक्टर के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये जरूर आंगिक और वाचिक देने के बाद मैं ज़्यादा महत्व तो देता हूँ भाषा का ही हिस्सा जो है एक म्यूजिक का है। और हिंदुस्तान में तो कभी कभी बोलता है तो संगीत जैसा लगता है, इसलिए अक्सर मैंने उदाहरण दिया। और क्योंकि मैंने उदाहरण सीखा और ये बात सीखी गुब्बी कंपनी में, जिस कंपनी में काम करता था, वहाँ एक बुजुर्ग ने मुझे कहा था, देखो बेटे ऐसा देखो जब भी तुम बोलोगे ना, बोले तो लगे जैसे गा रहे हो, और तुम गा रहे हो तो लगे जैसे बोल रहे हो। मतलब यह गाना बोलना अलग नहीं है, इसका मतलब जब वो भाषा का सुख मिलता है वही उसका संगीत है। और मैंने ये गुब्बी कंपनी में ऐसी बात सीखी थी। या अब भी मैं सब जगह बताता हूँ, मैंने बोलना एक अक्षर भी, एक ध्वनि भी, अक्षर भी छोड़ दीजिए, एक साउंड भी, एक सांस लेना भी, कोई भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये सब भाषा का हिस्सा है। उसके बाद मैं महत्व देता हूँ ये इसी के बाद स्टेज कैसा रखना चाहिए। और मेरे लिए दिमाग से हमेशा स्टेज खुला रखना चाहिए, उसमें ये पुरसीने भी एक बंधन सा लगता है। मुझे लगता है कि एक्टर के लिए कोई फ्रेम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मजबूरी है कि हमको ऐसा करना पड़ता है। लेकिन मेरा संस्कार जैसा यक्षगान का संस्कार है उसमें फ्रेम इम्पॉर्टेंट नहीं, जहाँ एक्टर है, जहाँ अभिनेता है, वही उसका रंगस्थल है। ये रंगस्थल एक तरह से अभिनेता का विस्तार है, वो जितना बढ़िया एक्टर होगा उसका उतना रंगस्थल बड़ा होता जाएगा। ये मेरी कल्पना रही। हालांकि मेरे एक्टिंग के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मैंने ये जो इज़म्स हैं, ये रियलिज्म, नेचुरलिज्म और स्टाइलाइजेशन, इस पर ज़्यादा मैंने बहस नहीं की, चर्चा नहीं की। इसके कारण है, कारण यही है कि हिंदुस्तान का हूँ, और हिंदुस्तान का हो मैं ये जब कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान का हूँ ऐसा कहना कैसे कर सकता हूँ, इसका कारण है कि ये तो मेरा प्रदेश कर्नाटक का है। लेकिन उसके बाद हिंदी प्रदेश में गया, उसके बाद पंजाब में गया, घूमता रहा। इस तरह से मुझे पूरा ये भारतीय पृष्ठभूमि जो है उसको कहें, उसको रियलिस्टिक को जो वेस्टर्न आइडिया उस ढंग से हम नहीं कर सकते। हमारे कहने में कोई ना कोई अतरंजना है, हमारी भाषा में भी ह्रस्व और दीर्घ का बड़ा हिसाब है। तो इसके लिए अक्सर उदाहरण देता हूँ मैं कि देखो ह्रस्व दीर्घ इतना महत्वपूर्ण होता है कि दीर्घ को ह्रस्व करने से अलग मतलब निकलता है और ह्रस्व को दीर्घ करने से अलग मतलब निकलता है। उदाहरण देता था तो अरे हमारे पिताजी जो हैं बड़े पिताजी हो गए हैं, और ये दोनों पी पाला ह्रस्व दूसरा दीर्घ में कितना अंतर पड़ जाता है, ये अंग्रेजी में नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय भाषा ही एक फोनेटिक है, स्वर प्रधान है। ये स्वर प्रधान होने की वजह से ही संगीत को मैंने महत्व दिया। इसलिए मेरे जो सारा पॉइंट जो होता है और स्वर के हिसाब से, आवाज़ के हिसाब से ही स्टेज को चाहता हूँ। वो तो तब तो आवाज़ फ्रेम में नहीं आ सकती, आदमी फ्रेम में आ सकता है, आवाज़ तो फैलती जाती है। जैसे पानी में तेल डालते तो तेल के जो उसका जो घेरा फैलता जाता है, उस तरह आवाज़ भी ऊँची स्तर से आवाज़ फैलती जाती है। इसलिए मेरे जो बहुत ध्यान जो है वो बोलने पर और उसके मूवमेंट पर, और जब मूवमेंट कहता हूँ वो अभिनय की वो सूक्ष्मता नहीं है, बल्कि अभिनय के वाचिक के साथ जो अभिनय होना चाहिए और बॉडी आसानी से जो कम्युनिकेट करता है। इस तरह से मुझे जो सात्विक अभिनय जो कहा जाता है उसको कहें कि वेस्टर्न आइडिया में बहुत डीप एक्टिंग की जो बात करते हैं, शायद मेरे साथ बारे में शिकायत भी है कि मैं ज़्यादा उस पर वर्क नहीं करता, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादा ध्यान स्टेज पर देता हूँ कि टोटल मीनिंग मिलना चाहिए दर्शकों को। इसलिए मैं ज़्यादा क्राउड पे और ज़्यादा समूह को जब मुँह करता है इस तरह से उस पर ज़्यादा जोर देता हूँ।
और हो सकता है कहीं अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग अप्रोच होता है, लेकिन मैं ज़्यादा से एक्टर को यह महत्व देना चाहता हूँ, वो एक तो आपस में संबंध ज़रूर रखे, क्योंकि एक नेगोशिएशन का जो स्टेज होता है वो जैसे बैठता है उसी में एक अपना डायलॉग शुरू होता है। दो दुश्मन कैसे बैठेंगे आपस सामने और जो दोस्त कैसे बैठेंगे, मैंने ये सारा मैंने उस तरह से भाषा का अंग के रूप में ही सारी चीज़ों को देखने की कोशिश की। इसलिए जो वेस्टर्न थिएटर के दृष्टि से जो एक्टिंग के बारे में कहते हैं वो शायद उतने कुछ चीज़ों को मैं पचा नहीं पाया। और हिंदुस्तान में भी हमारे एक्टिंग इस तरह से रियलिस्टिक नॉन रियलिस्टिक इसमें ज़्यादा दर्द नहीं, या तो एकदम कह सकते हैं जिस रियलिस्टिक बैकग्राउंड से बात है तो कहते हैं कि तो ये इतना अनरियलिस्टिक है, ये तो स्टाइलाइज्ड है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए मैं और मुझे लगता है कि स्टाइलाइज्ड शब्द भी एक तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्टाइल बनाकर स्टाइल के स्कूल करके ये सीखा हुआ नहीं, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए मैं कहता हूँ देखो हमारा हिंदुस्तान का आदमी रियलिस्टिक एक्टिंग और स्टाइलाइज्ड एक्टिंग में अंतर क्या देखता है। मैं मजाक करता हूँ, देखो राइट मुड़ता है तो स्टाइलाइजेशन हो जाता है, लेफ्ट एक तरह से मुड़ता है तो रियलिस्टिक हो जाता है। असल में हमारे एक्टर भी ऐसे हैं आराम से, और ये जो बहुत स्टाइलाइजेशन करते हैं उसको भी जल्दी कर सकते हैं, और रियलिस्टिक जितना हो सकता है हमारे सीमा मैं कंपेयर उसके उसमें पश्चिमी एक्टर तो नहीं कर सकता, लेकिन कर हमारे लिए उतना वो मुश्किल नहीं होता। हम एकदम स्टाइलाइजेशन से रियलिस्टिक ऐसे छलांग लगाते हैं, आसान हो जाता है, लेकिन इसमें सूक्ष्मता की बात नहीं कर सकते। लेकिन जो हिंदुस्तान में हमारे जो स्टाइलाइजेशन जो बात है वो रोज़मर्रे की है, हमारे डांस में भी है। जैसे चाउ डांस है वो पूरे पूरे किसान के डेली रूटीन का काम है, उसी को डांस बन गया। और मुझे ये भी लगता है जैसे यक्षगान तो है ही, यक्षगान स्टेप्स वगैरह सारी जो है एक उल्लास का नृत्य है, उसके बाद वो करता है, इसलिए वो सारा भाषा का हिस्सा, अभिनय का हिस्सा, एक्टिंग का हिस्सा इस तरह से हो जाता है। और हमारे नाटक भी ज़्यादा तो हमारे यहाँ रियलिस्टिक नाटक भी बहुत कम है। और कन्नड़ में अगर मैं उदाहरण दूँ, आद्य रंगाचार्य के नाटक सचमुच एक रियलिस्टिक नाटक कह सकते हैं, लेकिन उनका भी सुनो जन्मेजय नाटक लेते हैं, रियलिस्टिक एक लेवल में रियलिस्टिक है ज़रूर, क्योंकि एक बुढ़ा है आज का है और एक युवती है, एक युवक है, एक मामूली राम है, फिर भी कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान की प्रवृत्ति है एक स्टाइल में जाना सब कुछ, या मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है और उसी को समझाना है समझना है। और वो दूसरे अपने एक्टरों में वो है, इसलिए उसके लिए अलग स्कूल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना ही देखो तुम में है, इसी को तुमको उभार के लाना है, ये मेरा एटीट्यूड रहा। और इसके पीछे और भी एक काम है, क्योंकि हिंदुस्तान में या पुराने ज़माने से कि हमारे यहाँ पूरा इवन भरतनाट्य शास्त्र से पहले भी कहते हैं कि नाटक को क्रिक एक खेल माना गया। इसका संक्षिप्त शब्द में क्रीडनीयक, क्रीडनीयक खेलने के लिए एक गेंद है। और कहते हैं कि ब्रह्मा के पास जब भरत मुनि गए थे उन्होंने यही मांगा था, हमारे लिए एक खेल के लिए एक खेल की चीज़ चाहिए, वो क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब है खेल। और आगे जाकर हिंदुस्तान पूरे देश भर में खेल का ही अर्थ है। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी में भी प्ले बोलते हैं, लेकिन आगे जाकर प्ले हमेशा रिटर्न के लिए प्ले हो गया, नहीं तो वो स्पोर्ट्स का प्ले हो गया, ये गेम का हो गया। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में आज भी खेल की बात करते हैं, गांव में जाइए तो कहते हैं आज कौन सा खेल है, यहाँ खेल का मतलब वो नाटक के लिए शब्द है। और सिर्फ ये खेल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश देशी भाषाओं में सब जगह है। जैसे तिरुकूत तमिल में है, कूत वो उछल कूद का खेल है, कूड़ी आट्टम, आट्टम मतलब है खेल है, कन्नड़ में भी वहाँ आटा बोलते हैं खेल है। ये सब खेल की जो बात है वो स्पिरिट जो है ये खेल है, लेकिन ये खिलवाड़ नहीं, खेल का मतलब वो स्पिरिट के लिए कि हम एक खेल खेल रहे हैं, वो कितना भी गंभीर क्यों ना। मुझे यहाँ तक लगता है कि ये भक्ति, ये जब एक भक्ति का काल शुरू हुआ था और भक्ति काल की जो बातें थी
उन्होंने भी खेल की स्पिरिट को भुलाया नहीं, इसलिए उन्होंने लीला शब्द कहा। तो लीला तो भगवान की लीला है, लेकिन लीला के पीछे भी वो खेल है। ये खेल की वजह से मुझे लगता है कि हाँ, फिर वो स्टाइलाइजेशन या रियलिज्म, ये बात दोनों मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए मुझे यहाँ अलग करने की जरूरत नहीं होती। खेल को क्या कहेंगे, खेल रियलिस्टिक कहेंगे, स्टाइलाइज्ड कहेंगे, खेल खेल है। तो इसलिए मुझे लगता है नाटक में अपने आप ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। हाँ, बहुत सूक्ष्मतः बात करेंगे, सचमुच वेस्टर्न टाइप की रियलिज्म हमारी नहीं है, सिर्फ भारत की नहीं बल्कि मुझे लगता है एशियन थिएटर की ही ये ऐसी बात रही है। इसलिए यहाँ बार बार रियलिज्म का, रियलिस्टिक का चर्चा करना अजीब लगता है। अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान की कॉन्सेप्ट ही कुछ जो है वो फिजिकल रियलिज्म नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल रियलिज्म है। मतलब एक कॉन्सेप्ट बनी चाहे सच्चाई क्या है, या सत्य की बात करते हैं, तथ्य की बात नहीं, मतलब फैक्चुअल रियलिज्म नहीं, ये सत्य मैंने ट्रू, एक ट्रुथ। ट्रुथ क्या है, हम जो मानते हैं, तुम जो मानते हो, हम दोनों के बीच में संवाद का जो विषय है, जो मानने का, वही है, वही सत्य है, वही रियल है। तो उस तरह से हमारे यहाँ जो शुरू से एक दार्शनिक व्याख्या ही कुछ ऐसा है कि ये सत्य का पहचानना, इसलिए मतलब कॉन्सेप्चुअल रियलिज्म। इसके लिए जैसे हम अजंता पॉइंट पेंटिंग्स अगर देखते हैं, क्योंकि जब एक उदाहरण देता हूँ, यशोधरा लेटी हुई है, सोई हुई है, उसके बगल में राम का बच्चा है। यशोधरा जो लेटी हुई है उसको वो उसकी लंबाई अगर नापें तो 3 फुट है, और बच्चा जो है 1 फुट है, ठीक है छोटा बच्चा है, लेकिन उसके बाद उसकी पीछे जो दासियां खड़ी हैं वो सब 1 फुट की हैं। तो यहाँ लेकिन हमको कभी अजीब नहीं लगी, कैसे हो गई कि यशोधरा 3 फुट की है और दासियां 1 फुट की हैं, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट में वो रानी है और बाकी दासियां हैं, ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है रियलिज्म आखिर हम जो मानते हैं, जो है वो नहीं, हम जो मान के चलते हैं वो रियलिज्म होती है। हाँ हाँ, वो तो मुंबई की जगह बैठा बैठा ना, अब ऐसा बैठता हूँ, ठीक है, ठीक हूँ। हाँ, जैसे मैं अपनी पिछली बातों में मैंने ये रियलिज्म और स्टाइलाइजेशन के बारे में बातें की थी, उसी तरह से थिएटर के प्रेजेंटेशन के बारे में भी कुछ नाम चलते हैं कुछ कभी कभी, और उसके बारे में बहस होती है। वो ये है कि फोक थिएटर, क्लासिक थिएटर, कंटेम्प्रेरी थिएटर, मॉडर्न थिएटर वगैरह वगैरह, और कहीं कहीं तो कहते हैं फोक मतलब एक बिल्कुल अलग जात का है। असल में ये विभाजन हमारे देश में है ही नहीं, ये विदेशी विभाजन है, क्योंकि हमारे यहाँ देशी और मार्गी ये दो नाम चलते थे। मुझे लगता है वो सही भी है, जो चीज़ बार बार इस्तेमाल होकर परिभाषित होकर वो रुक जाती है वो मार्गी हो जाती है, लेकिन हमेशा नई नई चीज़ हम बनाते रहते हैं और नई चीज़ की एक प्रेरणा मिलती है, उसी प्रतिक्रिया में नई चीज़ हम बनाते रहते हैं, उसको देशी कहते हैं। लेकिन ये अर्थ हम भूल गए, क्योंकि देशी तो और तो देशी घी, देशी और कई चीज़ें देशी देशी कहने लगे हैं। ये देशी कहने का मतलब, असल में देशी का अर्थ है उसी वक्त उन लोगों के बीच में, उन लोगों से मैंने लिया और मैंने उनको दिया, ये देशी है। लेकिन आगे जाकर वो देशी का इसका अर्थ इतना गहरा होने लगा, उसके अर्थ अलग अलग निकलने लगे, उसके लिए उसके बाद मार्गी है, ये देशी मार्गी। हालांकि ये इस दोनों शब्द नृत्य में बहुत चलता है, ये शब्द बहुत चलते हैं, नाटक में उतने चलाया नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमको ये फोक कहना या कंटेम्प्रेरी कहना और शहर का कहना मुझे समझ में उतना महत्वपूर्ण नहीं। यह ज़रूरी है कि ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन होते ही वो फोक नहीं होता, पुरानी चीज़ है, अपने ढंग से उसकी अपनी एक डेफिनेशन बन गई है,
अपनी एक भाषा बन गई, उसका अपना व्याकरण बन गया है। उस बारे में एक, अगर हम एक क्लासिक भरतनाट्यम और फोक यक्षगान कहना कहीं कहीं बड़ा अजीब लगता है, और यक्षगान के बारे में कहा भी जाता है ये सेमी क्लासिक है या सेमी फोक है, मैंने दोनों का अर्थ सिर्फ आपने कभी फोक कहा और कभी क्लासिक कहा। सिर्फ ये है कि हमारा नृत्य जो है तो वेस्टर्न नृत्य जैसा नहीं है कि जिसमें चेहरे पर एक्सप्रेशन ही नहीं हो, क्योंकि स्टैटिक एक्सप्रेशन होता है वहाँ नृत्य में, बिल्कुल सॉलिड एकमात्र नृत्य ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो नृत्य अभिनय माना जाता है, अब भी ना तो कहते भी हैं नाट्य उसका अभिनय अंग अच्छा था, तो अभिनय कहाँ से आया? तो इसका मतलब ये पूरा अपने थिएटर का हिस्सा है, ये टोटल थिएटर के हिस्से की जो बात करते हैं, और टोटल हमको ये विशेषण लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, असल में हमारा थिएटर ही उस तरह से टोटल है। अब शुरू से ही उसमें म्यूजिक गाना है, अपने ढंग का गाना होता है, वो क्लासिक म्यूजिक से लिया हो कहाँ से लिया हो म्यूजिक होता है। उस तरह से इधर से डांस के मुद्राएं भी होती हैं और बहुत ही उसको गूढ़ बनाए तो कह सकते हैं कि इस मुद्रा का वो अर्थ है, वो अर्थ है। लेकिन फिर भी कई मुद्राएं जो है हम डेली ऐसा इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं चाहिए या चाहिए इस तरह के बात, तब भी अगर कहें फोक एक शब्द आ रहा है, क्योंकि आजकल फोक थिएटर के बारे में ज़्यादा चर्चा चली है और बहस भी हुई है, ये फोक थिएटर फोक क्या होता है, और कहते हैं और ये भी कहते हैं फोक थिएटर हमको दिल्ली में रहकर क्यों करना है, वो तो फोक में रहकर करना है। लेकिन मैं जब कहता हूँ हम जब अपने दिल्ली से शहर जाते हैं, शहर दिल्ली जाते हैं, फिर कस्बे में जाते हैं, हम क्या हैं? हम क्या कंटेम्प्रेरी है, मॉडर्न है, या शहर से गांव से बिल्कुल कटे हुए हैं? कुछ लोग मान भी लें कि शहर शहर में रहते हैं, गांव से कटे हुए हैं, लेकिन हमारे शहर भी ऐसे शहर नहीं जो वेस्टर्न शहर है, कि हमारे शहर में अब भी कई चीज़ें वो देहातीपन है, उसमें कई गाँव की चीज़ें हैं। हमारे शहर में एकाएक अच्छा एक कॉलोनी बनती है, उसके साथ ही झुग्गी झोपड़ियों की जो बनती हैं, तो उसमें ऐसा साथ साथ कोएग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। ये रियल लाइफ का जब हम देखते हैं आगे जाकर क्या होगा हम मालूम नहीं। अब जो है वो एक तरह से हमारे थिएटर के लिए, खासकर कंटेम्प्रेरी थिएटर के लिए एक लैंग्वेज बन जाती है। जब मैं इंडियन लैंग्वेज में प्ले करना चाहता हूँ, उसको मैं कंटेम्प्रेरी समकालीन मॉडर्न या फोक ना कहकर अपने भाषा में कर रहा हूँ। अपनी भाषा मतलब बोलने की भाषा ही नहीं, टोटल अपने बिहेवियर की भाषा, मैं जिस तरह से व्यवहार करता हूँ। क्योंकि अगर मैं शेक्सपियर करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बर्नम वन किया और उसके पहले मैंने किंग लियर भी किया, तो मैंने फोक में नहीं किया, बल्कि मुझे फोक थिएटर में, वो कहीं का भी थिएटर हो, वो कन्नड़ का हो, ऐसा कोई सवाल नहीं, उसका मतलब क्या, वो हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान में थिएटर करते वक्त थिएटरिकल लैंग्वेज जो एक बनी, थिएटरिकल कुछ ट्रिक्स भी कह सकते हैं, थिएटरिकल ट्रिक्स या थिएटरिकल ट्रिक्स के बदले और एक शब्द है, वो थिएटरिकल मीन्स जो है, आपने एक आकाश में उड़ना है, ये एक की मृत्यु हो गई है, जैसे मृत्यु होने की बात हमेशा हमारे जितने देहाती प्ले में दो आदमी आकर पर्दा रखते हैं, हर पर्दे पकड़ते हैं, हथपट्टी जो कहते हैं, वो आदमी उठ के जाता है। इसमें कोई गलती नहीं, कि इंडोनेशिया का रामायण देखी ही मैंने, उसमें जो राम रावण युद्ध में जो मरते हैं, एक एक मरने के बाद उन्होंने एक अपना ढंग निकाला, मरने के बाद स्टेज से कैसे खाली करें, उसके लिए एक अपनी भाषा बनाई। ये लैंग्वेज जो है फोक सिटी का मतलब नहीं, थिएटर का लैंग्वेज है, ये थिएटर के लिए ज़रूरी है। आज भी मॉडर्न थिएटर में भी हम इस तरह के कुछ इसी भाषा निकालते हैं, वो एक तरह से अपने छोटे से एरिया में 40-30 जिसका मेजरमेंट है, उसके बाद टाइम की 2 घंटे की लिमिट है, तो इस तरह के थिएटरिकल लैंग्वेज को प्राप्त करने के खोजने का हमारा हक ही नहीं बल्कि हमारी मजबूरी भी है, नहीं तो हम थिएटर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। इसलिए रियलिस्टिक बहुत ही एक तरह से हम जब इब्सन के बारे ढंग से जब बात करते हैं तो लगता है एक तरह से सीमित कर दिया, वो ड्राइंग रूम में ही करना पड़ा, क्योंकि वो ड्राइंग रूम में सेटली सीमित करना ही एक तरह से वो रियलिस्टिक के बारे में एक तरह से अंधा होकर रियलिज्म की कहने की बात हो गई। लेकिन सिर्फ चखो के बारे में हम बात कर सकते हैं, उसका दो चार हो, थ्री सिस्टर्स हो, उसमें कई सचमुच रियलिस्टिक है एक तरह से, नेचुरलिस्टिक तो कहते भी हैं, लेकिन
मुझे याद है चरियाचरण में लास्ट में ये पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटने की आवाज़ आ रही है, साथ ही साथ रैकेट में वो लिख रहे, वो चकोर लिख रहे हैं कि एक डिवाइन साउंड आ रहा है। ये डिवाइन साउंड कहाँ से आया? इसका मतलब थिएटर के लिए एक अपनी भाषा है और चाहिए, और वो भाषा जो है थिएटर लैंग्वेज है, वो फोक है, सिटी है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कई चीज़ें हमको फोक से लेना पड़ता है या लेना चाहिए, इसलिए भी लेना चाहिए, आखिर अपनी है वो बाहर से इम्पोर्टेड नहीं है। उसमें अंग्रेजी ट्रिक्स क्यों लें? अपनी भाषा अगर है एक एग्जिट के लिए, एंट्री के लिए, या मौत की बात है, या और कहीं खाने पीने की बात है, लड़ने की बात है, ये सारी जो स्टेज पर आपने आकर एक उसको कभी कभी ट्रिक कहते हैं, एक मीन्स कहते हैं, इसलिए अपने ढंग का लेते हैं। ये फोक के प्रेम की वजह से नहीं, बल्कि मुझे अपनी भाषा अपने ढंग से कहना हो, यही तरीका है। इसलिए मैंने बर्नम वन के बारे में अपने डायरेक्टर नोट में यही कहा कि बर्नम वन मैकबेथ जो है, मैकबेथ मैंने बर्नम वन के रूप में लिया, वो भी एक तरह से अपना इंडियनाइजेशन है, क्योंकि मूल कथा तो संसार में एक ही हो सकती है, लेकिन जगह जगह जाकर फिर उसका अपना एक स्वयंकरण होता है, अपने करण में अपने रूप में आता है। और मैं मैकबेथ को वेस्टर्न साइड ढंग से करें तो मेरे लिए झूठ हो जाता, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं, वो जस्टर मेरे नहीं, और वो मेरे बोलने के ढंग भी वो नहीं है। इसलिए मुझे लगा जब करना ही है तो अपने ढंग से करो। बचपन से जिस तरह से गुजरा, मैंने यक्षगान मेरी जगह रही, उसके बाद अलग अलग बनारस जाना, यूपी जाना, इस तरह सब जगह देखा, और उस जगह देखने के बाद मेरा जो बना वो तो पर्टिकुलर एरिया का फोक नहीं है। और खासकर मुझे तो मैं आग्रह से कहूँगा कि मेरे अंधेर नगरी में वो कहाँ का स्टाइल है, उसमें भी एक तरह से कई कह सकते हैं फोक स्टाइल उसमें भी है, एंट्री एग्जिट को बात करते होते फोक स्टाइल कह सकते हैं, लेकिन यो कहाँ की फोक स्टाइल है, एक तरह से वो हिंदुस्तानी स्टाइल है, इतना कह सकते हैं। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान स्टाइल अपनाना कोई गलत तो है ही नहीं, लेकिन ये एक नज़र चाहिए अपने देश के अलग अलग फोक फॉर्म्स अपने रूप में जो है उससे हम क्या ले सकते हैं आज के थिएटर के लिए। लेकिन मुझे सचमुच यक्षगान ही करना हो, मैं दिल्ली में नहीं करूँगा, वो तो अपने गाँव में जाकर करूँगा, और उसके लिए भी योग्यता सामर्थ्य चाहिए। मैंने यक्षगान की जो थिएटरिकलिटी है वो जिस तरह से वो हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो उसे एक नया मतलब निकलता है, और कई जगह पर तो मैंने यक्षगान से जो चीज़ें ली भी हो वहाँ जिस अर्थ में होता था उससे उल्टे अर्थ में मैंने कुछ मूवमेंट्स भी लिया है। वो खासकर घुटने पर घूमने का एक मूवमेंट है यक्षगान में, वहाँ तो वीर रस में आते आते फिर एकदम घुटने में आते हैं, लेकिन मुझे लगा कि दिल्ली में जब कर रहा हूँ ये घुटने का मूवमेंट एक तरह से हार का हो सकता है, मैंने नया अर्थ निकाला। कास्ट्यूम में भी मैंने वहाँ से नहीं लिया, और भागवत को रखा ही नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट रखा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के लिए फोक कर बात कहना उतना ठीक नहीं रहता। कितने ही फोक जो हैं आगे जाकर क्लासिक हो गए, अब चंडा जो है पहले वो एक तरह से कह सकते फोक है, लेकिन आज वो चंडा क्लासिक हो गया है, ये ढोलक अब क्लासिक हो चुका है। अब मुझे लगता है ये प्रयोग करने की बात है, प्रयोग करते करते तो फिर आप इंस्ट्रूमेंट्स में कम से कम फोक क्या है वो क्या है कहना मुश्किल होता है, लेकिन वो मंजीरा ही क्यों ना हो, वो शास्त्रीय संगीत के लिए भी मंजीर का इस्तेमाल हो सकता है, और गांव में तो है ही। दूसरे ये फोक जो है एक तरह से असल में अपने कम्युनिकेशन का एक जरिया रहा है, इसलिए फोक वो अलग नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए वो ज़रूरी थी, इसलिए आज भी फोक सॉन्ग्स भी हमारे म्यूज़िक के लिए, थिएटर म्यूज़िक के लिए क्लासिक से नज़दीक लगता है। एक तो भाषा के वजह से छोटे छोटे रिदम हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, और वो जो भाव के अनुसार ही उसके उतार चढ़ाव होते हैं, और वो कहीं के भी वो कन्नड़ का ही हो या तमिल का हो या बंगाल का हो, भाषा के साथ निकटता होने की वजह से मैं फोक सॉन्ग्स को भी अपने थिएटर के लिए नज़दीक मानता हूँ, अपने थिएटर के लिए क्लासिक से ज़्यादा या क्लासिक म्यूजिक से ज़्यादा ये फोक नज़दीक है। लेकिन मैं यहाँ फोक इस अर्थ में ले रहा हूँ मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, अनुकरण का नहीं, अनुकरण करने की बात यहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर वही तो मैं करना भी है तो वहीं जाके करना है, कभी करूँगा भी, जब किया भी तो मैं वहीं जाकर उन्हीं के ढंग से मैंने किया है। उड़पी में तो कभी छोटा हिस्सा करना पड़ा तो वहाँ
मुझे यक्षगान शैली में कहीं जरूरत नहीं, यक्षगान में किया, लेकिन वर्णवन जो किया यक्षगान वाले खुद कहेंगे इसमें यक्षगान कितना है, वो चंडे की आवाज अगर कहें यक्षगान है तो चंडे तो कथकली में भी है और आजकल तो मॉडर्न में कई जगह पर फिल्मों में अनुदर जगह इतने मॉडर्न चीज़ों के लिए भी चंडा इस्तेमाल करते हैं। अभी अभी मैंने कोई ऐसे फिल्म देखी, बिल्कुल मॉडर्न फिल्म है, चंडा का इस्तेमाल किया, मतलब साउंड की वजह से। इसका मतलब यह है कि कहीं भी कोई साउंड हो, कोई ध्वनि हो, कोई एक रूप हो थिएट्रिकलिटी का, वो हमारे कंट्रीब्यूटरी के लिए नए मतलब के लिए मीनिंग के लिए काम आता है। इसलिए वर्णवन का मैंने एक दूसरे ढंग से मैकबेथ ना रखकर, क्योंकि वहाँ के लिए मैकबेथ है, लेकिन यहाँ के लिए वर्णवन एम्बिशन फॉरेस्ट, मैकबेथ में फॉरेस्ट जैसे एम्बिशन है, उसमें रास्ता नहीं मिलता, उसका रास्ता ना मिलना ही उसका ट्रेजेडी है, वो फॉरेस्ट है, इसलिए वर्ण है, वन है, वर्णम है, इसलिए मैंने नाम से ही उसको अपनापन करने की कोशिश की। और जो भी बहुत साल से जब मैंने बहुत साल से मैंने रंग जब से मैसूर गया रंगायन से, तो कभी भी नाटक को नाटक का अनुवाद नहीं करता था, तो बदले में अगर हिंदी से कन्नड़ में नाटक का अनुवाद किया तो हिंदी का अनुवाद नहीं कहकर कन्नड़ में ये शब्द रखता था। इसका मतलब एक अनुवाद ही है, लेकिन कन्नड़ में है, सिर्फ भाषा का अनुवाद नहीं, मैंने बाकी चीज़ें भी कन्नड़ की होगी, वो कन्नड़ की बोलचाल होगी, चाल भी होगी, व्यवहार भी होगा, उसके बाद कई हमारे रस्म रिवाज भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुनने वाले कन्नड़ के लोग हैं, तो भाषा के संबंध में जो बातें होती हैं वो सिर्फ नावल पढ़ने के बराबर तो है ही नहीं, क्योंकि नाटक जब करते हैं तो उसके व्यवहार चाल चलन ये भी अलग अलग होती है, हाथ का इस्तेमाल करने का ढंग, चेहरे का इस्तेमाल करने का ढंग। हमारे ही कर्नाटक के साउथ में ही कहें, केरला वाले में कर्नाटक वाले में कुछ एक्सप्रेशन में इतना बड़ा फर्क है, क्योंकि केरला वाले हर चीज़ के लिए और चेहरे पर चेहरे का इतना इस्तेमाल करते हैं, हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं, कन्नड़ वाले थोड़ा उसको कम करके बोली का इस्तेमाल करते हैं, इससे बड़े बड़े जोक्स भी है। इस तरह तमिल वाले दो हाथ के इस्तेमाल करते हैं, मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, एक ही अपने कर्नाटक में ही दो स्कूल का एक जो बॉडी लैंग्वेज कितना फर्क पड़ता है, खासकर एक अंग्रेजी स्कूल का मैडम हमेशा स्टूडेंट से बुलाना हो तो कहते हैं कम ऑन बॉयज कहते हैं, और वही इंडियन लैंग्वेज के हम वर्नाक्युलर करके मजाक भी करते थे अंग्रेज लोग, हम लोग भी उस तरह से कहते थे, तो हम कहते आ जाओ बेटे, एकदम हाथ के इतना फर्क होता है, इसलिए मेरे लिए वो फोक शब्द ही थोड़ा गलत लगता है ऊपर से लादा हुआ, ये मेरा अनुभव है और मेरी मान्यता है, क्योंकि इसमें शायद और चर्चा हो सकती है, मैं ये नहीं मानता कि मेरी फाइनल है, और यूँ तो थिएटर माध्यम ही कभी फाइनल की बात आ ही नहीं सकते, धीरे धीरे हमारे फोक शब्द भी खत्म हो सकता है, जैसे अब तो कस्बा शब्द खत्म होता जा रहा है, कस्बा कन्नड़ में ज़्यादा पेटे पेटे बोलते हैं, धीरे धीरे वो भी शहर होते जा रहे हैं, और अपने गांव भी जो फोक के लिए गांव का सेंटर मानते हैं वो भी एक तरह से नगराभिमुखी है, मतलब नगर के ऊपर उसका चेहरा है, तो उसके बाद हम कौन सा गांव कौन सा शहर ये अपने अभिनय में अपने कहने में प्रकट करना मुश्किल है। बच्चे एक पोएम है हमने इस्तेमाल किया था, गुड्डू मेरा फ्रेंड्सवा ट्रांसलेशन किया था कि नहीं मैं लिंक कर रहा हूँ सर, सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम बार बार हमारे सामने आता है इंडियन थिएटर के संदर्भ में, सुरमला अपने इंडियन थिएटर के सिलसिले में हमेशा एक सबसे ज़्यादा हमको परेशान करने वाला एक प्रॉब्लम है एक्टिंग स्टाइल। एक्टिंग जब स्टाइल कहते हैं वो रियलिस्टिक भी स्टाइल हो जाता है, क्योंकि नहीं तो एक्टिंग स्टाइल क्या है ये पूछने की ज़रूरत भी नहीं होती, इसका मतलब है कि रियलिस्टिक भी एक तरह से अपनी चॉइस की एक स्टाइल ही है, वो रियल नहीं है रियलिस्टिक है। लेकिन हिंदुस्तान में इसलिए समस्या आती है कि कई
हम ज़्यादा रियलिस्टिक नाटकों से ज़्यादा स्टाइलाइज नाटक ज़्यादा लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ रियलिस्टिक नाटक भी बहुत कम है, क्योंकि शायद अब भी हमारे स्वभाव के लिए उतने ठीक नहीं बैठते जैसे वेस्टर्न थिएटर के लिए। एक रियलिस्टिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, हमको भी अगर रियलिस्टिक नाटक करना होता तो वहाँ से लेते हैं, चको को लेते हैं, इब्सन को लेते हैं या और कोई ऐसा नाटक लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस बारे में ज़रा स्पष्ट होना चाहिए। जब कहता हूँ तो मेरा कहना अंतिम नहीं होगा, लेकिन ये खुलता रहेगा, कभी समाप्त तो नहीं होगा। वो मुझे लगता है शुरू में भी, मैंने हमारे भारतवर्ष में शुरू से भी ये समस्या एक तरह से थी। इसको अलग अलग ढंग से ये कहा गया कि नाट्य धर्मी, लोक धर्मी, कब कहा गया प्रवृत्ति या वृत्ति, ये सब शब्द लगाया। फिर देश का अलग अलग हिस्से में हिस्से का बताया गया। तो मेरे हिसाब से स्टाइल भी दो तरह के होते हैं। एक सिद्ध शैली, सिद्ध माने पहले से ही एक उसका ट्रेडिशन बन गया है, इसलिए उस शैली सिद्ध हो गई, पहले हो चुकी है। दूसरे प्रयोग करते करते शैली बनती है, इसलिए मैंने दूसरी जगह पर कहा है कि देशी मार्गी एक शब्द बताया था कि देशी मैंने उसी वक्त एक इम्प्रोवाइज करना, उस वक्त बन जाना देशी है, लेकिन फिर भी रियलिस्टिक नहीं है वो। मैं देश में जो कुछ नए नए क्रियाएं हो रही हैं, समाज के विकास के साथ कुछ नई कार्य पद्धति बनती है, तो वो नई कार्य पद्धति बनाने में कुछ नए मूवमेंट्स बनते हैं कि नए मूवमेंट जब स्टेज पर आते हैं तो अपने आप उसके एक अपनी एक छलनी में छंदा पड़ता है, मतलब वो उसका नया रूप लेता है। इसलिए देशी मार्गी भी स्टाइल है, स्टाइल का मतलब ही स्टेज के लिए ये ज़रूरी है। यूँ तो कहें कितने ही स्टाइल हो सकते हैं, अगर एक तो ऊपरी सतही तरह से कह सकते हैं चाइनीज स्टाइल, जापानी स्टाइल, इंडियन स्टाइल और सदर्न साउथ इंडियन स्टाइल, इंग्लिश स्टाइल, रशियन स्टाइल, ये भी हम करते हैं। लेकिन मैं यही स्टाइलाइजेशन के बारे में ही ज़्यादा जोर देकर इतना ही कहूँगा कि स्टाइल ये पलायनवाद नहीं है, बल्कि स्टाइल जो है एक एक्टर के अपने एक डेडिकेशन है उसमें, मतलब कम चीज़ों में या कम समय में, कम जस्चर्स में या कम हाव भाव जो भी कहते हैं, जो भंगिमाएँ करते हैं, मैंने मिनिमम मैक्सिमम प्रकट करेंगे। क्योंकि थिएटर के लिए चैलेंज हमेशा यही है कि अच्छा एक्टिंग मतलब यही है कि थ्रू द मिनिमम कितना हम मैक्सिमम को एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए ये कि स्टाइल जो है एक तरह से प्ले के हिसाब से या कुछ वहाँ के प्ले के हिसाब से भी नहीं, प्ले की थीम के हिसाब से, प्ले के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इसे कभी स्टाइल बदलती है, बदल सकती है। वो थोड़ा सा उदाहरण दे दें कि माई फेयर लेडी एक रियलिस्टिक पिग्मेलियन का, सॉरी बर्नार्ड शॉ का पिग्मेलियन एक रियलिस्टिक प्ले है और बिल्कुल रियलिस्टिक है, लेकिन जब उसका म्यूजिकल बनाया गया माई फेयर लेडी, पूरा स्टाइलाइजेशन आ गया सर, एक एक मूवमेंट स्टाइलाइजेशन आ गया, जहाँ जहाँ डायलॉग था सारे गाना बन गया था, लेकिन उतना ही प्रभावशाली रहा। शायद मुझे लगता है कि पिग्मेलियन उतना प्रभावशाली नहीं रहा जितना माई फेयर लेडी। ये अलग बात है, फिल्म में आने की वजह से भी वो बहुत ही फेवरेट हो गया, पॉपुलर हो गया, लेकिन मुझे आज भी मालूम है कि खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में माई फेयर लेडी को बार बार खेलते हैं, स्टेज पर खेलते हैं, क्योंकि वो म्यूजिकल में जो स्टाइलाइजेशन अपने आप आ जाता है तो उसे बात ज़्यादा ठीक के पर एक साथ बात पहुँचती है। इसलिए स्टाइलाइजेशन वो सिर्फ हम आसानी के लिए नहीं करते, असल में गहराई करने के लिए करते हैं, डीप जाने के लिए करते हैं। उल्टा मैं कहना चाहता हूँ कि रियलिस्टिक में हमारे तो कई जेस्चर्स एक साथ आते हैं, लेकिन हम स्टाइलाइजेशन करते करते उसमें चुनते हैं, चूज करते हैं, एक तरह से पोइट्री जैसी हो जाती है। अगर मैं ये पूछूं कि लिटरेचर में कविता आज भी है तो कविता रियलिस्टिक नहीं है, उसमें जितने भी बातें करें रियलिस्टिक बात हो सकती हैं, लेकिन फॉर्म जो है कविता जब कहेंगे
वो बोलने बोलने के ढंग नहीं है, वो रोजमर्रे की भाषा नहीं है, कविता की भाषा अलग मानी जाती है। इसलिए कविता नाटक का संबंध भी इसलिए कहा गया है कि सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स और प्लेसिंग ऑफ द वर्ड्स और ये इकोनॉमी ऑफ द वर्ड्स और उसके बाद इमेज ऑफ द वर्ड्स, ये जो है नाटक के लिए कविता के लिए बात कही जाती है। तो अपने आप वो जो चुनावी एक प्रक्रिया है उसी में एक स्टाइल बन जाती है। यह अलग बात है कि इसी के बहाने कई स्टाइल को हम बड़ी सतही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्टाइलाइज जब बात करते हैं वो बात को गहराई तक पहुंचाने के लिए करते हैं। तो इसलिए इसी सिलसिले मुझे याद आती है एक जापानी गुरु ने किसी ने कहा है कि देखो सिर्फ खड़ा होना एक्टिंग है स्टेज पर, ये फिल्म नहीं है, क्योंकि फिल्म में वो फ्रीज की बात आती है तो, लेकिन वो फ्रीज हो पूरा फ्रेम ही फ्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ फ्रीज होना भी एक एक्टिंग है। इस लोग से दूसरे ढंग उसने कहा कि एक कैरेक्टर के बारे में ही इज स्टैंडिंग स्टिल स्टिल ही इज एक्टिंग, स्टैंडिंग स्टिल स्टिल होकर एक्ट करने का मतलब है एक वो असल में वो स्टाइल है। हाँ, मैंने एक प्ले भी देखा था, एक मणिपुरी प्ले, पूरे प्ले में कहीं हिलता नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग पर वो एक्ट एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर एक्ट कर रहा है, हमारे ऊपर असर पड़ रहा है, क्योंकि स्टेज पर हमेशा पूरा स्टेज नज़र आने की सामने आता है, जो फिल्म में वो सुविधा नहीं है, क्योंकि कभी कभी आदमी को भी टुकड़ा टुकड़े में देखते हैं हम, कि स्टेज पर टुकड़े टुकड़े में नहीं देख सकते, तो पूरा स्टेज है, दूसरे पात्रों के संबंध है, इसलिए भी स्टाइल यहाँ बहुत ज़रूरी होती है। मुझे लगता है कि स्टाइल उसके लिए अनिवार्य है थिएटर के लिए, नहीं तो बर्तमनी संवाद किस ढंग में भी जो स्वागत प्रकाश आकाश भाषित अपवारित जनातिक ये अलग अलग ने ढंग निकाले, ये सब एक तरह से स्टाइलाइजेशन के हैं, और स्टाइलाइजेशन का एक नियम बनाया, एक व्याकरण बनाया, एक शास्त्र बनाया। इसका कारण यह है कि वो माध्यम ही कुछ ऐसा है, जब हम दर्शक को मानते हैं कि सामने दर्शक खड़े बैठे हैं और हम कर रहे हैं उनके सामने, तभी उसका एक स्टाइलाइजेशन आ ही जाता है, और जितने भी स्टाइल के हैं। इसलिए मुझे लगता है कि स्टैनिस्लावस्की के सिलसिले में ये बात उठी है कि स्टैनिस्लावस्की कहते थे अपने एक्टरों से, देखो जैसे ही पर्दा खुल गया तुम भूल जाओ कि वहाँ लोग बैठे हैं, वो एक तरह से पीपिंग विंडो भी कहा गया था। लेकिन उसके बाद उनका शिष्य मेयर होल दूसरे ढंग से कर, नहीं लोगों को मालूम है, ऑडियंस को भी मालूम है, एक्टरों को भी मालूम है कि ये पहली घंटी बजी, दूसरी घंटी बजी, तीसरी घंटी बजी, अब ड्रामा शुरू हो रहा है और लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यही सही है, नहीं तो शब्द एक्टिंग करके ये एक्ट करना, तो एक्टिंग जो है ही वो डूइंग नहीं है बल्कि एक्टिंग है, तो इस एक बड़े व्यापक अर्थ में इसमें रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये स्टाइलाइजेशन वही मैंने अभी अभी बताया कि दो है, एक सिद्ध है, दूसरा प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए भी एक रियलिस्टिक भी स्टेज में भी करते हैं, कितना भी करते हैं वो बिल्कुल नकल नहीं होती है, क्योंकि उसमें भी उसको चुनना पड़ता है, सारी चीज़ों को नहीं ले सकता, क्योंकि चूजिंग वो प्लेसिंग कहाँ करना ये भी सारी चीज़ें आती हैं। शुरू में हमको भारत में ये चीज़ें सुनकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि इंडियन स्टाइल कई कुछ डेड हो गई थी या इतनी रूढ़िवादी हो गई थी, तो रूढ़िवादिता एक तरह से हमारे ऊपर छा गई थी, क्लीशे भी हो गई थी। तब मुझे याद है कि अपने तेलुगु की एक फिल्म में एक रेड्डी करके एक डायरेक्टर थे, ये आज़ाद से पहले की बात है, उसने अपने एक्ट्रेस को इस तरह से डायरेक्शन किया, कहा देखो पानी, तुमने पानी भर दिया, कुएं से पानी भर दिया, उसके बाद कपड़े धो लिया, कपड़े में अभी वो पानी टपक रहा है और तुमको फील करना चाहिए पानी टपक रहा है, उसके बाद वो गीले कपड़े को तुमने वो गीला है उसको तुमने कुएं के उसके ऊपर उसमें साइड में रखा, और ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सुनने में अच्छा लगता था, कहने में अच्छा लगता था, अरे हम डिटेल जाते ही नहीं थे। असल में जो भी स्टाइलाइजेशन जो गहरा रूप लिया था वो सब इसे इसके थ्रू पास होके आ गया है, वो हमको जानना पड़ता है। एक प्लकिंग का एक मुद्रा अगर है, वो प्लकिंग मुद्रा एकाएक एक स्टाइलाइजेशन नहीं बना,
जितने ढंग से फूल चुनते हैं वो फूल चुनने की सारी शैलियों को लेकर वहाँ पर एक 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 स्टैंडर्ड बना देते हैं। और स्टैंडर्ड ये बदलता रहता है, थिएटर में तो खासकर बदलता है, वो डांस जैसे उतना ट्रेडिशन नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टाइलाइजेशन ट्रेडिशनल भी है, रेडीमेड भी है, और दूसरी तरफ एक नया भी लेते हैं। तीसरी तरफ हमारे लोगों के लिए थिएटर में हम कहीं से भी कुछ चीज़ें लेते हैं, अपने ढंग से उसका प्रयोग करते हैं। मैंने वो शास्त्र निभाने के लिए नहीं, व्याकरण का पालन करने के लिए नहीं, वो दूसरा एक अर्थ होता है, वो थिएट्रिकलिटी, क्योंकि सारे स्टाइलाइजेशन के पीछे एक थिएट्रिकलिटी है। क्योंकि थिएट्रिकलिटी सस्ता शब्द लगता है कभी कभी, लेकिन थिएटर के लिए थिएट्रिकलिटी तो चाहिए ही। जैसे हम ये मानते हैं कि थिएटर जो है वो संदेश देने के लिए नहीं, प्रचार करने के लिए नहीं, वो मनोरंजन देने के लिए भी है। और लेकिन मनोरंजन कहते हैं लगता है कि एक शब्द गिर गया या माध्यम गिर गया, उसी तरह से एक्टिंग के बारे में भी यही लगता है। लेकिन स्टाइलाइजेशन अब भी आती है, अब भी आएगी, इसलिए मुझे तब दोबारा याद आता है और एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी मॉडर्न प्ले राइट वो है ड्रेक्ट, ड्रेक्ट की कविता है कि वो कहता है गरीब हो और वो शोषण कर रहा है मालिक, और लोगों को बताओ वो शोषण कर रहा है, शोषण कैसे कर रहा है बताओ, सिर्फ शब्द भी नहीं, शोषण करने को उसको सामने रखो, दर्शकों के सामने रखो। तो उन्होंने एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में कहा, क्योंकि ये जो शोषण होता है क्योंकि ऐतिहासिक उसके कारण है और सोशल भी कारण है, इसलिए सोशल कारण को जरा उजागर करने के लिए कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, थिएटर कहीं ना कहीं चीज़ कुछ उजागर करने के लिए हम बातें रखते हैं, तो उजागर करने के लिए कई रास्ते निकलते हैं, जितने रास्ते निकलते हैं इसलिए शैली होती है। इसलिए मुझे लगता है कि एक्टिंग स्टाइल जब शब्द इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए इतने अलग अलग रास्ते हैं। अब एक ही बात है कि रूढ़िवादिता जो है, और रूढ़िवादिता सचमुच को उसके जिसके पीछे अकल नहीं हो, जिसके पीछे कोई समझ नहीं हो, तो रूढ़ी बन जाती है। तो बार बार हम कहते हैं क्यों करते हैं, रूढ़ी है, चलती आ रही है। तो ये वहाँ ये बात जरूर ये सवाल उठता है। इसे आजकल भी कई लोग कहते हैं कि आप यक्षगान में क्यों करते हैं, आप भवाई में क्यों करते हैं, तो भवाई में करना तो भवाई से बढ़िया तो वहाँ लोग करेंगे, हमारे एक यहाँ के शहर का एक्टर भवाई क्या जानेगा या यक्षगान क्या जानेगा। लेकिन मेरा भी उत्तर ये है, शहर के आदमी के लिए जब करते हैं वो भी वो दर्शक जो भवाई नहीं जानता, यक्षगान नहीं जानता, वो सिर्फ थिएट्रिकलिटी को समझने के लिए वो वहाँ बैठा है। वो थिएट्रिकलिटी या थिएट्रिकल इम्पोर्टेंस क्या है, तो एक निर्देशक अपने गांव का या अपने कोई जान ये लोक नाटक का कोई कुछ प्रकार लेता है, सीधा नहीं ले सकता। तो मैं खुद मानता हूँ, मैंने खुद कई जगह पर कहा भी है, मुझे यक्षगान ही करना हो तो मैं दिल्ली में आकर क्यों करूँ, मैं गांव में जाऊँगा, यक्षगान जहाँ चल रहा है उन लोगों के बीच में रहूँगा, क्योंकि उनकी अपनी एक भाषा बन गई है, उसका अपनी एक डिक्शनरी है, तो उसी में मैं काम करूँगा, उसमें शायद और कुछ मैं जोड़ूँगा। लेकिन जब दिल्ली में या बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में जब करता हूँ, अपने दर्शकों का ख्याल रख के ही करता हूँ, उनको शैली को थोपने के लिए नहीं करता। और इसलिए कंबार का कहना ठीक लगता है कि ये दर्शक भी गांव का दर्शक और शहर के दर्शक में जो बड़ा अंतर उन्होंने अपने एक बड़े अपने हास्य शैली में कहा है कि गांव का दर्शक जो है वो नाटक में भाग लेता है, ऐसा लगता है कि वहाँ नाटक सब लोग मिलकर वो नाटक रच रहे हैं। वो नाटक रचना मैंने लिखित नाटक रचना नहीं, वो क्रिया को, नाटक क्रिया जो है स्टेज पर होती है उसमें दर्शक भी भागीदार है, वो पहले ही वो जिसका हिस्सेदार है, क्योंकि कहानी मालूम सब कुछ मालूम है। लेकिन उल्टा उन्होंने कहा कि वो शहर में जो दर्शक आता है, हर दर्शक जो है वो आलोचक है, मैंने कोई सही सच्चा दर्शक को है ही नहीं। इसका कारण यही है कि हमारा ये तर्क जो निकलता है रंग भाषा से कभी कभी दूर हट के, या रंगमंच की जो ज़रूरतें हैं उनसे भी अपने को बचा कर ये बात आसानी से करते हैं। ये भी मानता हूँ, फिर भी हर चीज़ में जो चीज़ एक बार पॉपुलर होती है, चीज़ पसंद की जाती है, तो सच ये एक फैशन भी बनता है। लेकिन सच जो काम करता है, जो खोज करना चाहता है, उसके लिए वो फैशन नहीं, वो एक तरह से पैशन है, वो पैशन से वो नए नए अर्थ निकालता है।
रूढ़ी के लिए भी एक नया अर्थ बनाने की कोशिश करता है, चलता है, लोगों को मालूम है, इसलिए उसी को धक्का देना भी चाहता है। और रूढ़ी में तो उस एक पर्टिकुलर मुद्रा का, पर्टिकुलर मूवमेंट का एक मतलब है, लेकिन उल्टा मतलब निकालता है। मैंने उल्टा मतलब निकाल कर शायद थोड़ा सा शॉक भी देता है। तब जो है, जैसे मनुष्य जीवन में मनुष्य के संबंध, उसकी जड़ें कहाँ 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 ठहरी गई हैं, उस तरह से भाषा और हमारे व्यवहार ये सब में उसकी पता नहीं इसकी जड़ें कहाँ कहाँ गई हैं। तो रंगमंच सहज रूप से भी आसमान से एकदम टपकता नहीं, आसपास के अपने इतिहास के, अपने संस्कार के, और सब वो संस्कार के कारण ही हम कितने ड्रीम्स देखते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। वही उसके स्टाइल में, नाटक अभिनय स्टाइल में आते हैं, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स में आते हैं, यहाँ तक कि उसके स्टेज के बनावट में भी वो बातें आ जाती हैं। इसलिए सच कहना हो तो वो स्टेज का नियम, जैसे कि प्रोसिनियम स्टेज हम कह देते हैं और सब जगह वो आसान हो गया है, ये भी इतना बंधा हुआ स्टाइल से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये जैसे कि स्टाइलाइजेशन के रूढ़िवादित स्टाइलाइजेशन रूढ़िवादिता है, उससे ज़्यादा रूढ़िवादिता इसमें है। मुझे लगता है बार बार एक्टर के साथ स्टेज भी बदलते रहना चाहिए। अच्छा, इसी वक्त मुझे एक चीज़ याद आई, 20 साल पहले ये पदातिक ने या अनामिका ने, शायद अनामिका ने कलकत्ते से ये शुतुरमुर्ग प्ले आया था, जालान का ग्रुप था, उसमें सारा स्टाइलाइजेशन था, लेकिन वो स्टाइलाइजेशन मालूम नहीं था किसी कहाँ से लिया है, लेकिन स्टाइलाइजेशन जरूर था। वो स्टाइलाइजेशन वजह से ही वो नाटक सफल भी हुआ, क्योंकि शुतुरमुर्ग की कहानी की वस्तु भी ऐसी ही थी। जैसे उसमें एक जगह कहा गया कि हमको वो गरीबी क्या है, अकाल क्या है, उसका स्टडी करना चाहिए। तो इसलिए एक आदमी इतना भूखा है, हड्डियाँ नजर आ रही हैं, दिख रही हैं, तो हड्डियाँ दिख रही हैं ठीक है, उसके लिए एक फोटोग्राफर आता है, फोटोग्राफर आकर, ये तो फास्ट नहीं था बल्कि बहुत सीरियस मैटर था, तो उसने एकाएक जो जिस चार पैर सोया था वो बीमार आदमी दुबला पतला, एकाएक उसने खटाई के साथ ही खड़ा हो गया और हे हंस पड़ा, फिर लेट गया। इसका मतलब है कि एक तरह से ये कवित्व की व्यंजना है, जो व्यंजना कविता की बात करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा गहराई से बताने के लिए, और एक चीज़ को अगर बार बार भी बताते हैं, इट इज़ रिपीटेशन नहीं बल्कि डिफरेंट वर्शंस हैं। इसलिए खासकर हिंदुस्तान की कई चीज़ें हैं, और इसको आवृत्ति भी कहते हैं बंगला में, और हमारे भी संगीत में भी इसको कर्नाटक में संगति कहते हैं या इसकी उपज कहते हैं, ये सब इसलिए। लेकिन एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते, एक मूल बात बात को कई ढंग से कहने का। और दूसरी, इसी तरह से हमें लगता है कुड़िया जैसे एक क्लासिकल फॉर्म है, तो वहाँ तो वस्तु तो बड़ी छोटी होती है, एक छोटी सी एक घटना। और हिंदुस्तान के लिए हमेशा नाटक या खेल जो है पूरी कथा नहीं होती है, प्रसंग होता है। ये प्रसंग का शब्द ही देखे, भवाई में वेश होता है, कहीं प्रसंग होता है, कहीं और कुछ नाम हो सकता है, माचा नाचा में भी कुछ ऐसा नाम है, क्योंकि ये सारे मतलब पूरी चीज़ हम नहीं दिखाते। अब इसलिए मैं उससे भी मुझे प्रेरणा मिल गई कि नाटक को कभी भी ख़त्म करना नहीं चाहिए। मैंने नाटक होने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए मैंने आंध्र नगरी में शुरू जो किया, पहली बार ड्रामा स्कूल में किया, तो मुझे लगा यह ख़त्म नहीं बल्कि फिर कहानी शुरू होगी, तो आगे जाकर एंड में जो बदलते राजा महंत बनता है, महंत राजा बनता है। मेरा कहने का मतलब ये सारी जो है हमारी इच्छाएं या हमारे मन की जो अभिव्यक्ति के लिए जो खोज है, उसकी खोज का ये परिणाम है स्टाइलाइजेशन। स्टाइलाइजेशन एक तरह के लैंग्वेज की खोज है। जैसे भाषा, कोई साहित्यकार अपने बातों को प्रकट करने के लिए भाषा में नई नई खोज करता है, उसे थिएटर में भी खोज करता है, और कंटेम्प्रेरी थिएटर में कोई चीज़ रिपीट नहीं हो सकती, लोग एकदम कहेंगे कि वहाँ की नकल की गई है। इस माने में भी मुझे लगता है कि स्टाइलाइजेशन तो एक चैलेंजिंग है, उतना आसान नहीं। हाँ, हालांकि मैंने मेरे बारे में ही कई बार शिकायतें हुई, और मैंने उसका जवाब तो दिया है, लेकिन मैं कह नहीं सकता सबको तसल्ली मिली हो कि मैंने यक्षगान में
स्टाइल यक्षगान की स्टाइल में किया करके, लेकिन शुरू से मैं कहा करता था नहीं, यक्षगान में मैकबेथ नहीं किया, बल्कि मैकबेथ मैंने यक्षगान का उपयोग किया, इस्तेमाल किया। इस्तेमाल उपयोग हालांकि दूसरे अर्थ में बड़ा गलत शब्द है, लेकिन मैं नाटक के हिसाब से मतलब थिएटर क्वालिटी को लेने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। तो और मैकबेथ में उसी वजह से मैंने मूवमेंट में और कई और रिदम में सारा एक संबंध जोड़ दिया था, खासकर जब मैकबेथ डिनर से इसके बाद वो एक तरह से बहुत त्रस्त हो जाता है और दिमाग बहुत ही विचलित हो जाता है दिमाग से, तो उसके जाना चलने का जो मूवमेंट है यक्षगान के बेसिक तो होगा, लेकिन उसके उसको जो मूड देना, उसके लिए एक अर्थ देना, एक तरह से आगे बढ़ाना हो गया। और ये जरूरी नहीं कि मैंने जो आगे बढ़ाया कि वो लोग यक्षगान के लोग उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन मैंने अपने दर्शकों के लिए, वो दिल्ली के दर्शकों के लिए मैंने ये चीज़ ली थी। इसलिए मेरे जितने भी नाटक हैं कि गाना होना ही चाहिए, कई लोग यही मान लेंगे कि कारण जो है वो चखों के नाटक में भी गाने डालेंगे या इप्सन के नाटक में भी गाने डालेंगे या आज के न्यूज़पेपर का आइटम आएगा उसमें भी गाना डालेंगे, लेकिन ये तो हमेशा कभी भी इस तरह की आलोचना जब होती है उसमें एक मजाकिया स्वर तो होता ही है, लेकिन मेरा जो समर्थन इतना ही है कि कोई चीज़ आप स्टाइल को एक नियंत्रित या नियमित व्याकरण मानते हैं, उस तरह से रियलिस्टिक भी व्याकरण एक जगह टिकेगा नहीं। जैसा भाषा बहता नीर है तो रियलिस्टिक भी वो बहता ही रहेगा, उसका भी रूप अलग अलग होता रहेगा। तभी मुझे लगा कि मोहन राकेश के आधे अधूरे में शुरू में काले सूट वाला आदमी आता है, असल में ये रियलिस्टिक कुछ है ही नहीं। उसके बाद जानबूझकर इंसिस्ट करके वो चार पात्र जो आते हैं और एक चार पात्र को, वो चार कैरेक्टर को एक ही एक्टर से करने के लिए इंसिस्ट किया कि वो चार का जो नाम जो भी है, आखिर ये क्यों? ये स्टाइल सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि एक अभिव्यक्ति का एक विधान है या अभिव्यक्ति का एक स्वरूप, एक रूप है। इसलिए ये नाटककार भी करता है और निर्देशक भी कोशिश करता है और अभिनेता भी अपने ढंग से करता है। मैं एक उदाहरण देकर मैं इसको अभी फिलहाल समाप्त करता हूँ, क्योंकि पुराना एक नाटक है, पुरानी कंपनी का नाटक है, वो ये प्रहलाद की कहानी है और नाटककार ने लिखा था कि वो बेटे से पूछता है कि विष्णु कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, तो मैं ही भगवान हूँ, तुम दूसरे भगवान को कहाँ से तुम पाओगे? वो कहते हैं हर जगह भगवान है। तो चार खंभे में दिखाते हैं, पहला खंभ में इसमें भगवान है, कुछ कहता है प्रहलाद हाँ है बोलता है, दूसरे में, तीसरे में बोलता है हाँ, सबका हाँ बोलता है। तो हिरण्यकश्यप को दुख इस बात का है, मैं दुनिया भर को बता रहा हूँ कि भगवान मैं ही हूँ, लेकिन मेरा ही लड़का, मेरा ही बेटा, और ये कहता है कि भगवान मैं नहीं हूँ, इसका इसके लिए दुख भी है, क्रोध के साथ दुख इसलिए कि मेरा बेटा बोल रहा है। तो ये एक कैरेक्टर के बैकग्राउंड है। और जब चौथे खंभे को दिखा, इसमें भी है बोलता है और एकदम अपने गदा का प्रहार करता है। वो खंभा दो हिस्से होते हैं, यहाँ के कर्नाटक के बहुत बड़े एक एक्टर हो चुके हैं, वरदाचार्य उनका नाम है, वो हिरण्यकश्यप का रोल करते थे। नाटककार ने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन एक्टर अपनी तरफ से कैसे कंट्रीब्यूट किया, मैं एक तरह से उस रोल के लिए उस स्टाइलाइजेशन के साथ ही इसको भी उसने एक तरह से प्रमाणित किया कि एक्टिंग के ही अपना एक विस्तार हो सकता है। तो जब नरसिंह निकलता है खंभे से, निकलने के बाद असल में युद्ध करना चाहिए था, नरसिंह रोरिंग करके आता, गरज करके आता है, लेकिन वरदाचार्य अपने जो रोल उन्होंने किया हिरण्यकश्यप का, तो सबसे पहले ऐसा लगता है उनको कि बच्चा डर जाएगा नरसिंह को देखकर, इसलिए उसके बच्चे को अपने पीछे ले जाता है। उसके बाद दूसरा ये उनके दिमाग में ये भी आया, और इस बच्चे ने अपनी बात को सच साबित कर दी, मेरा खून एक तरह से साबित कर दी, इसलिए उसको प्यार होता है, उसके एकदम उठा कर प्यार भी करता है। और भी कई चीज़ें आती हैं कि इतनी चीज़ें मुझे आज बेटे से सीखना पड़ा, तो ये भी क्या स्थिति है। खैर, लेकिन तीसरी चीज़ों को वो अपने एक्टिंग में करते हैं, लेकिन ये
स्टाइल तो वही, उसकी कंपनी स्टाइल एक्टिंग है, उसी एक्टिंग का एक अलग विस्तार हो गया। मेरा कहने का मतलब कोई भी स्टाइल हो, कन्विंसिंग कराने की बात है, वो सिर्फ रूढ़िवादिता बड़ों ने किया हम इसलिए कर रहे हैं, तब किसी में भी मतलब नहीं निकलता। लेकिन मतलब निकालना वो तो एक्टर का, निर्देशक का, नाटककार का काम होता है। तो अब अंतिम उदाहरण कौन सा बताया? हाँ, ये हमारे क्लासिकल कुछ फॉर्म्स हैं, खासकर कूड़ियाट्टम। कहा जाता है कि भरतनाट्यम शास्त्र के अनुसार जो नाटक बताए गए थे तो उसी की एक बची हुई परंपरा है। उसमें ऐसे ही है, वस्तु बहुत छोटी होती है, जैसे अभी जो कहा था ना कि प्रसंग होता है, संदर्भ होता है, कांड होता है, ये हम तो कभी भी संपूर्ण की बात करते ही नहीं, क्योंकि हमारा नाटक भी एक जर्नी होने की वजह से वो अब इतना हो गया, उसके बाद अगले आगे होता जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रसंग है, फिर भूल गया, हाँ, इस तरह से कूड़ियाट्टम और वेदांतम सत्यनारायण की भी कुछ इस तरह की, उसके कुछ प्रसंग हैं, कुछ भी है, और छोटी सा कोई विषय होगा, सत्य भामा रूठी हुई है कृष्ण से, इस रूठने के कितने कितने ढंग हैं। हालांकि ये रिपीटेशन नहीं है, उन्हें कहानी का विस्तार होता है और गहराई देता है इसमें। तो इस तरह से ये कूड़ियाट्टम में छोटी सी कहानी इतनी है कि रावण शिव जी से वरदान लेकर, कि ऐसा वरदान कि तुम अब तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता, वो भी शिव जी ने वरदान दे दिया। उसके बाद रावण लौट के आता है, रावण दिग्विजय प्राप्त करने के लिए चाहता है, जिससे वर प्राप्त अब ये भी हुआ है, तो ये भी एक तरह से बड़ा व्यंग्य है, विडंबना है। तो सोचता है सबसे पहले शिव जी पर ही इसका प्रयोग क्यों ना करूँ। तो रास्ते में आते कैलाश पर्वत दिखाई पड़ता है, और देखता है कि कैलाश पर्वत पर तो शिव जी रहते हैं, अपने पार्वती के साथ रहते हैं। तो एक बार कैलाश पर्वत को ही किसी एक बार हिला दे, तो लेकिन हिलाने के लिए वो कैलाश पर्वत क्या है, कैसा है, यहाँ तो ये सब एक्टर का काम है। इतना ही है कथा, कहानी हो गई, कहानी इतनी खत्म हो गई कि वो मदोन्मत्त होकर वर प्राप्त होने की वजह से बड़ा मतवाला होकर आता है और कैलाश पर्वत को हिला देता है, और आगे जाकर वो जैसे कहानी होनी चाहिए एंड में, कि शिव जी कहते हैं कि अपने अंगूठे से पर्वत को दबाया तो फिर इसके उनके हाथ इसके नीचे आ गए रावण के, और जितना उसका उसको मतवालापन था, उसका जो घमंड था, वो चूचुर हो गया। और ये भी कहा जाए उसके बाद चीखा तो बहुत दूर दूर तक सुनाई पड़ा था। मैंने इतनी कहानी है, लेकिन ये अब एक्टर जो आता है इतनी सूक्ष्मता के साथ, और पूरे पहाड़ को, पहाड़ की रचना को, पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की चौड़ाई, और पहाड़ के रफनेस, और पहाड़ के कहाँ पौधे हैं, और पहाड़ के साथ कहाँ कैसे जा सकते हैं, उसके बाद चढ़ना होता कैसे, और हिलाना होता कैसे, और इसको किस तरह से इसको मैं शेक कर सकता हूँ, ये सब एक्टिंग में कराता था। मैंने अपने अपने आंखों के इस कोने से उस कोने तक दिखा के उसकी चौड़ाई को दिखाता था, और गर्दन से थोड़े से लगा देखे उसके पर्सपेक्टिव जाएंगे तो बहुत 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वो पूरा कैलाश पर्वत आ ही जाता है। वो मैंने उसके अपने सारे दृष्टि के अभिनय से ही उसने स्थापित करने की कोशिश की थी, और 1 घंटा सिर्फ इतना ही, और उसके बाद चला नहीं, पर्वत है ही नहीं। मेरा कहने का स्टाइलाइजेशन है, लेकिन स्टाइलाइजेशन कन्विंसिंग क्यों है, हमको क्यों अच्छा लग रहा है, और या तो उसके ट्रेडिशन में रहें तभी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। इस बात को कई लोगों ने मान लिया, जैसे मैंने कहा कुछ कास्ट्यूम, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ नई चीज़ें आती हैं तो थोड़ी सी चौंक, एक सच में चौंकते हैं हम, अरे ये कास्ट्यूम यक्षगान के कास्ट्यूम जॉर्जस वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे कहानी आती है, वस्तु मिलती है, तब वस्तु को ये पहुँचाने की जो विधि है, ये तो मुझे लगता है कि अनादिकाल से जब से एक्टर रहा हो तो उसके अलग अलग ढंग खोजता रहता है, वही उसकी रियलिज्म है। वो कितना कन्विंसिंग कराएगा वही रियलिज्म है उसका। हालांकि ये चर्चा अभी ख़त्म नहीं हो सकती, और एक आदमी के उत्तर से, एक आदमी के कहने से, सोचने से नहीं होता, ये समस्या या प्रश्न और मेरे उत्तर से भी बहुत बड़ा प्रश्न है।
कई लोग कई ढंग से उसका जवाब देते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं बिल्कुल मैं एक तरह से कहना चाहिए कि मेरे लिए ठीक लग रहा है। मैं रियलिस्टिक नाटक भी करता हूँ, वो भी एक फॉर्म है, एक स्टाइल है, तो उसके अपने ढंग के उसकी भी अपनी थिएट्रिकलिटी है। हम यूँ भी किसी भी हद में थिएट्रिकलिटी को लेना ही पड़ता है। जब हम नेपथ्य विंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, वहीं से हमारी रियलिज्म खत्म हो जाती है। इसके बाद कई चीज़ों को हमको मानना पड़ता है। ये मानना पड़ता है, जो है समझना और मानना, या तो समझते हैं, समझने के रियलिस्टिक है चाहिए, ठीक है, कि कई चीज़ें मानना पड़ता है, तो अपने आप स्टाइलाइजेशन ये स्टाइल शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं हिंदी के शब्द मुझे अच्छा लगता है, जानना, समझना और मानना। और अब मैं दूसरे शब्द उसके लिए समझ नहीं पाता, और ये जान गए तो समझ भी गए तो और मान भी गए, तो मुझे लगता है कि इसलिए स्टाइलाइजेशन, रियलिस्टिक जो भी चीज़ है, कुल मिलाकर सब स्टाइल ही हो जाते हैं। तो और मैंने रियलिस्टिक नाटक नहीं किया इसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ये स्टाइलाइज प्लेस या म्यूजिकल प्लेस ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, इसलिए आदमी को एक आगे जाकर एक लेबल लग जाता है। और उसके बाद हम कहते भी हैं कि हम कोई एक ऐसा प्ले चखो का प्ले करेंगे, सीगल, नहीं आपसे नहीं होगा, पहले से तय कर लेते हैं। तो लेकिन हमारा दौरभाग्य है कि हमको फिर इससे ही चिपक के रहना पड़ता है, कि ये भी अपनी स्थिति है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इसमें भी हम कई बार फेलियर होते हैं, इसलिए ये सक्सेसफुल होना ये फेलियर होना ये तो रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक से कोई संबंध नहीं, ये आदमी की अपनी कल्पना अपनी सीमाओं से संबंध है। लेकिन ये प्रश्न रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। एक्टर एक्टर का ना उत्तर दें आप, ये अक्सर पूछा जाता है कि आप एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं, या आप अच्छे एक्टर होंगे, आप अच्छे एक्टर हैं लेकिन आप डायरेक्टर क्यों हो गए, एक्टर ही रहना चाहिए। लेकिन ये अच्छा और बुरा ये भी बहुत कुछ संदर्भ पर डिपेंडेंट है कि हो सकता है मैं एक्टिंग करता तो खराब एक्टर भी साबित हो सकता था, एक्टिंग कम किया डायरेक्शन ज़्यादा हुआ। लेकिन डायरेक्टर के लिए मैं ही कहता हूँ, क्योंकि मैं एक्टर होने के नाते कि एक्टिंग जानना चाहिए कि, लेकिन ऐसे लोगों को भी देखा कभी एक्टर रहा ही नहीं फिर भी अच्छे डायरेक्शन कर सकते हैं, अच्छे ट्रेंड एक्टर हो वो सिर्फ अपनी समझ की बात कह के वो एक्टिंग कर सकते हैं। जब नाटककार एक्टर ना होकर भी सारे एक्टरों के लिए इतनी प्रेरणा दे सकता है, तो उस तरह से कुछ निर्देशक जो है एक्टर ना होकर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक्टर था लेकिन ये इस पर चिंतन कभी नहीं किया, बहुत दीर्घ चिंतन नहीं किया, सोचा नहीं, एक मजबूरी भी थी, एक परिस्थितियाँ ऐसी आई थी, डायरेक्टर भी करना पड़ा, शुरू शुरू मुझे और डायरेक्शन साथ साथ करना पड़ा, बात को लगा कि साथ साथ नहीं चल सकता। मेरे बहुत तीन जो शुरू कैसे प्रयोग थे उनको मालूम नहीं था कि वो क्या होगा कैसा होगा, लेकिन मुझे इतना अनुभव हो गया था। वो तीन नाटक बेंगलुरु में किए थे, वो कंबार का कुमार स्वामी, उसके बाद लंकेश के ट्रांसलेशन ईडिपस, गिरीश ने इसमें ईडिपस का रोल किया था, और एक लंकेश का संक्रांति नाटक। ये तीन नाटक को डायरेक्ट करने का मौका मिला, और ये बड़ा चैलेंज था, सचमुच बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैंने कैसे 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 उस हालत में रास्ता निकाला, ये तो कुछ कुछ तो बड़े चुटकुले हो सकते हैं और कुछ तो बड़े एक अद्भुत चमत्कार भी हो सकता है। किसी ने कहा भी है कि एक आदमी तीन तीन नाटक दे रहा है, या तो बड़ा जीनियस है या तो बड़ा पागल है, विक्षिप्त है। तो अब लेकिन थिएटर वाला, मैं समझता हूँ थिएटर वाला हमेशा दोनों के बीच में रहता है, वो तभी तो दोनों को वो चाहिए। तब यही संक्रांति में मुझे रोल करना पड़ा, वो फेलियर हो गया, और बाकी दोनों नाटक सक्सेसफुल हो गए क्योंकि मुझे सिर्फ डायरेक्शन ही करना पड़ा। लेकिन वो डायरेक्शन करते वक्त ये भी सवाल उठता है कि डायरेक्शन कर कैसे डायरेक्शन करें, दिखाएं करके दिखाएं या सिर्फ बताएं। लेकिन ये भी स्थिति की बात होती है, जैसे एनएसडी रेपर्टरी के एक्टरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, और मुझे कुछ एक्टर ऐसे मिले, मैं अगर मैं जो चाहता था उसके 10 गुना करके दिखाया कुछ। एक एक्टर तो रघुवीर यादव, वो बड़े सैयद छोटे सैयद में
एक गाने का था, उसके बाद एग्जिट था। लेकिन मैं अब ये कहना चाहता हूँ, गाना गाना नहीं, मेरे लिए वो लैंग्वेज है, वो स्पीच है, वो संवाद का हिस्सा है। तो उसने इतना बढ़िया करके दिखाया था, अनुबीन ने की थी, मैंने सचमुच, और नाटककार और निर्देशक सब हट गए, वो एक्टर ही मेरे सामने रह गया। इस तरह से भोपाल रंगमंडल में भी द्वारकी नाम का एक एक्टर था। इसका मेरा कहने का मतलब है कि कई ऐसे एक्टरों के साथ काम करने का मौका शायद ही कभी कहीं मिलता है, क्योंकि उस तरह के हमारे इंस्टीट्यूशन उतने आगे बढ़े नहीं। हिंदुस्तान में हर एक भाषा के लिए एक ऐसा थिएट्रिकल या थिएटर का ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तब हम कुछ उसका फल देख सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर यह है कि हमारे लिए तो अभी जो रोटी कपड़ा मकान जो तीन समस्या जो है वही हल नहीं हुई है, तो ये थिएटर किस लिए? तो इसलिए थिएटर के बात में आगे बढ़ ही नहीं पाते। मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो मेरा आइडियल एक्टिंग या आइडियल प्रेजेंटेशन क्या होगा, हो नहीं पाता, क्योंकि उतने हमको मौका नहीं, उतने मौके ही नहीं मिलते। जैसे गिरीश कारनाड ने अपने नाटकों की एक आलोचना की किताब जो अंग्रेजी में आई थी, उसमें साफ कहा है कि हम थिएटर पर जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए नहीं कि सिर्फ कमाई की दृष्टि से, बल्कि अपने लिटरेरी क्वालिटी के हिसाब से, लिटरेरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से भी सिर्फ अपने मीडियम पर हम जिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि कभी भी मालूम नहीं होता कि हम जिस मीडियम को हमने लिया वो मीडियम हमारा सही है या गलत है, उसमें और क्या तब्दीली होनी चाहिए और क्या तरक्की होनी चाहिए। ये उन्होंने साफ कहा कि सच एक बहुत हिंदुस्तान में मुश्किल है। हाँ ठीक है, एक्टर जो आते हैं है तो अमेचर हैं जरूर, एक अच्छी समझ रखते हैं, बड़ी बड़ा उत्साह रखते हैं, सब कुछ रखते हुए मेरे प्ले की शक्ति क्या है, उसकी सीमा क्या है, ये तो बड़ी तपस्या होती है जानना, उसको बहुत इंतजार करना पड़ता है। ये उन्हें कम मुझे लगता है कि अपने देश के पृष्ठभूमि में कि एक्टर अगर डायरेक्टर बन जाए कोई ताज्जुब नहीं है, और हो सकता है डायरेक्टर भी कभी एक्टर भी बन जाए, क्योंकि हमारे लिए यहाँ उतना भेद करना मुश्किल होता है। इसलिए नेशनल स्कूल ड्रामा में शुरू में यही कहा था कि सब विषय उसको मालूम होना चाहिए, सब जितना हो सके, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के बैकग्राउंड में सिर्फ एक्टर, सिर्फ डायरेक्टर, सिर्फ प्ले राइट या सिर्फ स्टेज इतना पैदा करना देश के लिए बड़ा महंगा पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ तो जो भी आएगा वो एक तरह से हर चीज़ में प्रशिक्षण ले ले। जैसे मैंने एक्टिंग के बारे में यही कह सकता हूँ कि मैं जब भी एक्टिंग किया तो अच्छा ही लगा, और इसका मतलब ये भी नहीं खराब एक्टिंग नहीं किया, लेकिन जब किया तो करने का जो मौका मिला, पूरी एक छूट भी मिली, तो महानिर्वाण का मैंने रोल किया था, उसके बाद खामोश अदालत जारी में भी एक ऐसा रोल ऐसा मिला था। लेकिन मेरे लिए ये भी है कि मेरे लिए कुछ रोल ही एप्ट होते हैं, सब रोल नहीं होते। उस माने में मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा एक्टर का लक्षण यह होता है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए वो फिट हो जाए, लेकिन मैं वो किसी भी कैरेक्टर के लिए फिट होने वाला नहीं। मैंने बहुत गंभीर पात्र हो तो शायद मैं उतना फिट नहीं होगा, और डायरेक्टर होते होते थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करके दिखाता है वो एक्टरों को, तो उसकी एक्टिंग में ओवर एक्टिंग आ जाती है, क्योंकि दिखाते वक्त तो ओवर एक्टिंग होना नेचुरल है, क्योंकि जितना ये दिखाएगा उसमें 50-50% भी वो करे तो उसको तसल्ली होती है, लेकिन खुद भी जब एक्टिंग में वो उतना ओवर एक्टिंग करें 100% के लिए, अच्छी एक्टिंग के लिए वो 200% करें, तो ये दूसरे एक उसकी ट्रेजेडी है। इसलिए हमारी पुरानी कंपनी में एक्टर होते थे, डायरेक्टर सब नहीं होते थे, लेकिन हमारे कंटेम्प्रेरी थिएटर में एक मजबूरी भी है कि एक्टिंग भी जान लें और डायरेक्शन भी, और एक्टिंग जाने बिना डायरेक्शन नहीं हो सकता, ऐसे अब भी हमारे यहाँ मान्यता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी कोई हमेशा एक परमानेंट रहने वाला शाश्वत उधर चले उधर अच्छा उधर और अच्छा मेरी रंग यात्रा की कई मंजिलें रही हैं। एक तो मेरे परिवार में नाटक में काम करने की इच्छा रखते हुए भी
कोई एक्टर नहीं हुआ, लेकिन खूब नाटक देखते थे। दूसरा, हरिकथा की एक परंपरा मेरे घर में रही है, और मेरे एक दूर के मौसा जी थे, वो कुछ उस वक्त के जो कंपनी नाटक के ड्रामा जो मिलते थे पढ़कर सुनाते थे। वो खासकर शादी ब्याहों में रात को एक अलग ग्रुप बनाकर करते थे, और हरिकथा का बड़ा असर था। यक्षगान की भी, तो यक्षगान का भी असर रहा ही है। लेकिन जब मैं तीसरी क्लास में जब पढ़ रहा था, तीसरी कक्षा में, तब दो घटनाएं हुई। पहली बार एक स्कूल के पेरेंट्स के लिए, उसे एनिवर्सरी डे नहीं था, वो एक महीना महीना कुछ एक्टिविटी हुआ करते थे। अब बंद हो गया। अब तो मेरे मुझे याद है, उस वक्त हर स्कूल में एक सालाना तो एक एनुअल फंक्शन तो होता ही था, इसके अलावा महीना महीना भी कुछ करते थे। उस तरह उस स्कूल में महीने के लिए मैंने और एक दूसरे लड़के ने अंतर किया था, और एक टीचर की मदद भी मिली थी। स्टोरी ये थी, तो वो उसमें एक है कि एक गायक था और दूसरा एक पंडित था, और दोनों अपने अपने पेशे से उबे हुए हैं, दूसरा सीखना चाहते हैं और दूसरे को चैलेंज भी देते हैं कि मैं तुम्हारा पेशा अगर करता तो इतना पैसा कमाता। दोनों बोल रहे हैं और दूसरे एक दूसरे को चैलेंज देते हैं, तुम सिखाओ मैं सीखूंगा भी। तो जब सिखाते हैं तो पंडित जी गायक को सिखाते हैं गवैया को, तो गवैया वो मंत्र को भी गाने के ढंग से बोलेगा, और गवैया इनको सिखाता तो वो गाने को भी मंत्र जैसे बोलेगा। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था ये। अगर पंडित जी बताते सिखा रहे हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, ये श्लोक है, अब गायक गाय कृष्णाय कृष्णाय गोविंदाय नंदनाय चा, मैंने वो गाना गाएगा। उस तरह से वो एक गाएगा, वो यक्षगान के एक गाना है मुझे याद है, वो मैंने छोटी उम्र की बच्ची ये कहानी है, वो शूर्पणखा का वेश बदल के आती है, तब का गाना था। लेकिन जो भी है, चिक्का प्रायद बाले चदुरे, तो चिक्का चिक्का प्रायद प्रायद बाले चदुरे, मतलब ये मंत्र जैसे ही सीखेगा। इतना ही ड्रामा था और कुछ नहीं था। ये पहला मेरा रंग प्रवेश था, लेकिन सिर्फ पेरेंट्स के पीछे। लेकिन उसके बाद एनुअल फंक्शन में कई भुट्टा पकाए था मेरा गोपाल, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। बहुत लोग आए थे, बाहर के लोग आए थे, दूसरे लोग चीफ गेस्ट वगैरह थे। उसमें मैं मेन रोल गोपाल का, बच्चे का, लड़के का रोल किया था। वो पुट्टपा ने भी बहुत अच्छा लिखा भी है। यूँ तो हिंदी में फिल्म भी बन गई है विश्वास करके, शायद वो फिल्म सप्पुरहस में दिखाई जाती थी। फोक स्टोरी है कि गुरु के शिष्य कई होते हैं, उसमें गरीब का लड़का आता है, और एक गुरुदक्षिणा देते वक्त तो लड़का, ये गरीब लड़का जो है वो एक कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ में दही देता है। आगे जाकर वो दही का ऐसा अक्षय होता है, दही खत्म ही नहीं होता। इस तरह से उसकी भक्ति की, क्योंकि अब अपने कृष्ण पर उसकी भक्ति है, ये इस पर कहानी है। लेकिन नाटक बहुत अच्छे ढंग से लिखा कि एक माँ है, उसके एक गरीब बेटा है, और माँ हमेशा कृष्ण की पूजा करती रहती है, और माँ बेटे को समझाती है कि वो तुम्हारा भैया है, और वहाँ से रास्ते और सीखने गुरु के पास जाता है, और एक दिन आकर बोलता है मुझे जंगल बीच में आना पड़ता है, बहुत डर लगता है, अरे अपने भैया से पूछ लो। तो देख भैया कैसे हैं, अरे जहाँ तुमने तस्वीर देखी है ना ऐसे ही है। अच्छा तो मैं देखता हूँ आज। और जंगल रास्ते में जाते ही बुलाता है भैया 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 करके, कोई जवाब नहीं आता बहुत देर तक। बहुत मेरे को बोलता है नहीं, तो फिर माँ बोली होगी करके सब बोलता है। तब क्या गोपाल, उसका नाम गोपाल है, तो क्या गोपाल मैं तो काम में बहुत लगा हूँ, गायों के चरा रहा हूँ, और इसलिए मैं अभी गाय मैं इधर आ जाओ तो गायें सर बिखर जाएंगे, तुम जाओ, मैं हूँ समझ लो, तुम जाओ स्कूल। इतनी से खुश होकर जाता है, घर आकर बोलता है माँ से, माँ खुश होती है। उसके बाद गुरु कहते हैं कि साल खत्म हुआ, गुरुदक्षिणा दे देना। तो माँ से बोलता है, आप गुरुदक्षिणा क्या दे, मुझसे क्या पूछते हो, पूछो जाके भाई अपने भैया से। उधर भैया से फिर बोलता है कि आज गुरुदक्षिणा दी है, अरे आता नहीं, उसके बाद आता है और देखता ही रहता है, अरे ऐसा ही मेरे घर पर ऐसा ही है, तुम यहाँ क्यों, मैं वहाँ क्यों। तो बोलता है कि सारे माँ ने कहा था ऐसा, वो ऐसा बोलना। उसके बाद एक कुल्हड़ में दे देता है, फिर वहाँ सब लोग मजाक करते रहते हैं और ये छुपाता रहता है। तो उसको शर्म लगती है कि कुल्हड़ का दही दिखाएं, क्योंकि बाकी लोग बड़े गहने जेवर बड़े महंगी चीज़ें सब दिखाते रहते हैं।
लेकिन गुरु आकर दक्षिणा एक दक्षिणा के लिए कहते हैं, तो एक एक करके देता है, लेकिन ये अभी छुपा के रहता है। तब गुरु खुद कहते हैं, लाओ कहाँ से, वो क्या लाए हो? सब लोग कहते हैं वो तो मिट्टी का कुल्हड़ है, उसमें दही लाया है। अच्छा, तो गुरु बोलते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है, असल में गुरु ये भक्ति का भाव महत्वपूर्ण है, वो चीज़ का महत्व नहीं है। तब वो देता है, देने के बाद सब संतुष्ट हैं, लेकिन कहते हैं कि आप तो कुछ जो जो चीज़ लाए हैं खाने की चीज़ें, तो खाना खा लें। तो चूड़ा लाए हैं, कोई कोई लाए ना, थोड़ा सा और कुछ चीज़ लाए हो तो बांटते हैं। तो चूड़े के लिए फिर दही मिलाने के लिए ये दही निकालते हैं, तो दही बार बार बढ़ता जाता है। तब सब लोग ताज्जुब होते हैं, बढ़ता है। तो फिर गुरु जी पूछते हैं, तुम्हें दही कैसे दिया? तब बड़े गर्व से बोलता है, मैं नाटक की बात कर रहा हूँ, तो मेरे भैया ने दिया है। अरे तुम्हारे भैया, तुम उसे मिलाओगे? हाँ हाँ, अभी चलेंगे, चलिए। तो गुरु के साथ वो चलता। तब दूसरे लड़के बोलते, भाई इस बहाने हम भी अपने उसके भैया को देखेंगे। सब चलते हैं और जाने के बाद जंगल में बहुत बुलाता है, लेकिन जवाब ही नहीं मिलता। उसके बाद रोने लगता है गोपाल, कहते हैं भैया अब तुम नहीं आओगे तो सब लोग समझेंगे, गुरु जी समझेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मुझे अब भी याद करके, वो उस सीन को याद करके अपने थोड़ा सा इमोशनल भी होता हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे भूल सब लोग झूठ समझेंगे, मैं झूठा समझा जाऊँगा। तब आवाज़ आती है, गोपाल तुम्हारे गुरु से हो, अभी वक्त उनको वो वक्त नहीं आया। ये कुटप्पा का होने की वजह से, क्योंकि एक पोइट है इसलिए अच्छी ढंग से उसका वो वक्त नहीं आया। जब होगा तो वो तुम्हारे 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 द्वारा नहीं, अपने आप देख लेंगे। तब गुरु एकदम कहते हैं कि अरे ज़रूरत क्या है, और तुमको देख लिया करके उसको उठा के गले लगते हैं। और बाकी सब लड़के भी बोलते हैं, भाई यही हमारा गोपाल है, यही उसका प्ले का, ये वो प्ले जो है मुझे उस प्ले ने मुझे एक्टर साबित कर दिया। उसके बाद थोड़ा बड़े स्कूल में गया, क्योंकि पहला स्कूल तो 5वीं क्लास तक था, उसके बाद 8वीं क्लास, क्योंकि 8वीं क्लास खत्म हो गया था, ये मेरा शुरुआत था। उसके बाद 8वीं क्लास के बीच में गुब्बी कंपनी नाम की बड़ी कंपनी जो कर्नाटक, वो मैंगलोर आई थी, मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर है। वो नाटक वो कृष्णलीला देखी थी, और भी एक प्ले देखी थी, और एक अजीब प्ले देखा था, हिंदी में नाम था, प्ले तो कन्नड़ का था, नाम था चलती दुनिया। पता नहीं वो चलती दुनिया में नाम इतना पसंद आया, मैं वो पागलपन में ही अपने सुपारी के पेड़ का, सुपारी के पेड़ों का एक बड़ा एक बगीचा था, उसमें हर पेड़ में मैंने थोड़ा कागज़ में लिखकर चलती दुनिया कन्नड़ में लिखकर एडवर्टाइज किया था। किसी ने मजाक किया था, ये चलती दुनिया वो तो सारे पेड़ आएंगे क्या देखने के लिए, कहा था। लेकिन उसके बाद 8वीं क्लास के बाद पढ़ा नहीं पाए, हालांकि वो स्कूल में दूसरे स्कूल में भी रोल मिला था पहली बार। उसके बाद किसी मेकअप टीचर ने कहा, इसका चेहरा जो है लड़की के रोल के लिए बहुत अच्छा है, ये बोला वो, क्योंकि बड़ा शायद बिल्कुल फिसलने वाला चेहरा, हेमा मालिनी का चेहरा बोलते थे ना, लालू ने कहा था कि यहाँ की सड़कें हेमा मालिनी की गाल जैसी होंगी, तो उसे लगा होगा था, मेकअप किया था, लेकिन मुझे पसंद नहीं थी वो रोल करना, हालांकि मैंने किया। उसके बाद फिर 2 साल एक जगह ट्यूशन के लिए गया था, फिर वहाँ से मैं निकल गया तो मैसूर आया था सीखने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन जिस दिन आया तो वही गुब्बी कंपनी थी, वहाँ कृष्णलीला खत्म हो गई थी, अक्का महादेवी नाम का दूसरा प्ले शुरू हो गया था, तो वो कंपनी मेरे लिए पहली रेपर्टरी थी। वो इसलिए रेपर्टरी कहता हूँ कि पूरे नाटक करना ही उनका काम था, नाटक के लिए सब लोग थे, बहुत बड़ी कंपनी थी, 125 लोग थे। उस वक्त मैंने जो कुछ सीखा, वो सीखा नहीं करना चाहिए, अपने आप जिंदगी के साथ आया। मैंने मेकअप करना भी जान लिया, लड़कियों के रोल करने के लिए क्या क्या जोड़ा बनाना कैसे होता है, और साड़ी कैसे पहननी पड़ती है, या राजकुमार के लिए धोती कैसे पहननी पड़ती है, ये सारी चीज़ें वहाँ एक तरह सीख गया। ये पहली कंपनी का एक प्रशिक्षण का क्रम था, और बहुत सीरियस थे सब लोग, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन 4 दिन नाटक होते थे, बाकी 3 दिन छुट्टियाँ होती थी। तो छुट्टी में कुछ गाने का ये गाने की बैठक भी चलती थी। इसके अलावा कंपनी में हर कोई गाता था, और वह एक गुरु थे वायलिन बजाने वाले, और हारमोनियम भी बजाते थे। मुझे लगा कि इनको गुरु बनाना चाहिए, इसलिए उनको गुरु बना के मैंने लेग हारमोनियम नहीं बोलते हैं, पाँव से दबाते हैं, जैसे टेलरिंग मशीन होता है उस तरह से, और दोनों हाथ से बजाने का था।
तो उस तरह से मेरे ट्रेनिंग उस वो हारमोनियम की हो गई थी। और इतने एक्टर को देखना और एक्टरों को देखना, बड़े बुजुर्गों को देखना, ये अच्छा मौका मिला और हारमोनियम सीख भी गया। और कुछ दिनों महीने के बाद एक्टर जो कृष्ण का रोल करता था वो चला गया, उसके बाद रोल मिला। गाना अच्छा गाता था, लिया भी इसलिए कि गाना अच्छा गाता है और तो साले कहीं लाए में और मेलोडी में है, तो उस कमरे में रहते फिर आवाज़ बदलती गई और तब हिंदी सीखने लगा। वो हिंदी सीखने का कारण भी यही था, राष्ट्र का काम था वो, क्योंकि तब कहीं एक पत्रिका में बात आई थी राष्ट्र सेवा क्या है, जेल जाना, चरखा चलाना, खादी पहनना, फिर हिंदी सीखना, राष्ट्रभाषा हिंदी सीखना। उस तरह से हिंदी सीखना शुरू किया और तनख्वाह बहुत कम थी, गांव से दूर था, साल में एक बार जाता था। और तो गुरु रणा जी को मैंने चिट्ठी लिखी, क्योंकि हिम्मत नहीं थी, आमरे साहब ने बोले। और गुबी वरणा जी मालिक होने के बावजूद वो फिल्म में शूटिंग में लगे थे, उनके दामाद ने कंपनी चलाई थी और कंपनी में उसकी वरणा की दोनों लड़कियां थी, स्वर्णामा मालतम्मा और उसका छोटा बहन शिवानंद, स्वर्णामा बड़ी बहन, मालतम्मा छोटी बहन, जिसकी बेटी जयश्री थी और पद्मश्री भी, दोनों भी उनकी बेटियाँ थी। तो उसके बाद हिंदी में आ गए मैं, तो उसके बाद कंपनी डॉक्टर करना छोड़ दिया, लेकिन छूट नहीं सकता था क्योंकि मैं इन सब में अंधों में काना राजा मैं ही था, क्योंकि मेकअप करना जानता मैं जानता था, पर्दा बांधना जानता था, मैंने बैक स्टेज पर कई जानता था, क्योंकि कई लोग जानते नहीं थे, इसलिए वहाँ जितने भी अमेचर ग्रुप था मुझे ये काम मिला और रोल भी मिला था। रोल स्टेज पर कभी भी मुझे डर हो ऐसी कभी बात नहीं थी, अभी फ़ोन करने में डरता मुझे मैं डरता हूँ, स्टेज पर आने से डरता नहीं, तो क्योंकि वहाँ का वो संस्कार था। म्यूजिक के भी कई लेवल मालूम था, कितने तरह की मैंने कभी अपने टॉक में कहा है कि सेक्युलर जो है म्यूजिक के बारे में मेरा अप्रोच रहा वो कंपनी की वजह से, क्योंकि कव्वाली भी है, गजल भी है, भजन भी है, कर्नाटकी भी है, हिंदुस्तानी है और वेस्टर्न गाने भी थे। और ऑर्केस्ट्रा में भी खूब होता, पियानो था, ऑर्गन था, डबल हारमोनियम और फ्लूट, क्लैरिनेट और तबले का सेट होता था, हल्के लाल लाल सुर होने की वजह से होता था। फिर कभी कभी फ्लूट वाले दो दो रखे जाते थे और दूसरे भी कुछ, खासकर पियानो का इस्तेमाल कब होता था, और उसके अलावा एक बेल वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता था, बड़े बेल पाइप का, ये पाइप बेल कर सकते हैं, पाइप जैसा होता है, बेल की आवाज़ आती है। तो इसलिए मुझे म्यूजिक का एक अलग पार्ट वहाँ से मिला और साथ साथ हिंदी। फिर कंपनी बंद हो गई, उसके बाद फिर प्राइवेटली मैंने बनारस परीक्षाएं पास, परीक्षा देना वहाँ से प्रारंभ किया और मैट्रिक, वो भी इसके बीच में मैंने 8वीं क्लास खत्म होने के बाद, कम से कम 11 साल का फर्क था, डिस्टेंस था, लेकिन खूब पढ़ता था। ये उस वक्त मैं अरेबियन नाइट्स पढ़ चुका था, रामायण महाभारत तो पूरा पढ़ चुका था, महाभारत के अलग अलग वर्षन भी पढ़ चुका था और कुछ पत्रिकाएं भी मैं उस पर पढ़ता था। पढ़ने में ज़्यादा मेरे पढ़ने में उस पर दिलचस्पी थी, दूसरों को कहानी भी सुनाता था जो पढ़ा था, और खास डिटेक्टिव नॉवल की पूरी कहानियाँ दूसरों को सुनाता था। लेकिन कंपनी छोड़ने के बाद जो हिंदी प्रचारक बन गया और एक मारवाड़ स्कूल मिला, वहाँ भी बच्चों के लिए मैंने कुछ लिख लिया, वहीं एक मैंने प्रयोग किया चुटकुलों को लेकर नाटक करना, इसका नाम रखा चुटकुलांकी, चुटकुलांकी उसका नाम हो गया, 3 मिनट का, 2.5 मिनट का, 2 मिनट का ये चुटकुलांकी। मैंने पूरे 2 घंटे में कम से कम 30-40 प्ले होते थे, वो एक तरह का प्रयोग ही था। मुझे लगता है कि वो प्रयोग इम्पॉर्टेंट इसलिए, उसमें कई चीज़ें भाषा के, व्याकरण के और कुछ हम जो जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस सुनते हैं उसका नाटक बना के, हालांकि कोई ग्रेट नहीं कह नहीं सकता। ठीक, फिर बनारस आया, बनारस के बाद वहाँ भी ड्रामा करने का मौका मिला। पहले तो मोनो एक्टिंग खूब किया, जिसने भी हॉस्टल डे में, तो मुझे मोनो एक्टिंग का मौका मिला, तो उसमें कुछ छोटे छोटे प्ले भी लिखे। उसके बाद मुझे और PhD के लिए रिसर्च का सब्जेक्ट भी यही मिला, भारतीय रंगमंच हिंदी नाटक। शुरू करने के बाद ही लगा कि भाई मैं कुछ जानता नहीं, थियोरी कुछ नहीं जानता, वो कंपनी का एक्सपीरियंस भी मेरे कुछ काम का नहीं है। तो NSD आया, तो NSD में वो 3 साल जो रह गया, उसके बाद पटेल स्कूल में फिर वही थिएटर सिखाने का काम मिला। और NSD के बाद बेंगलुरु आने तक बीच में 7 साल जो है वो बहुत ही फर्टाइल ईयर्स कह सकते हैं, क्योंकि ड्रामा स्कूल में जो सीखा, लेकिन फिर अपने आप सीखने का जो मौका मिलता है, तभी से मुझे लगा कि थिएटर में
जो दूसरे जो शिक्षा है उससे ज़्यादा हमको सीखना पड़ता है, इसलिए लर्निंग प्रोसेस ही सबसे ज़्यादा थिएटर में चलता है, टीचिंग प्रोसेस उतना नहीं। इवन मुझे लगता है टीचर्स भी एक तरह से टीचिंग से लर्न ही करते हैं, पढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं। आज भी हम कितने ड्रामा स्कूल के कुछ टीचरों को देख सकते हैं, क्योंकि उनका जैसे लर्निंग खत्म ही नहीं हुआ, शायद ये थिएटर मीडियम में हो सकता है, क्योंकि दूसरे यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं कि उन्होंने जो अपने अपने एज में कॉलेज में जो पढ़ते थे वही नोट करते हैं, नोट्स फिर आगे पढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वो 7 साल में जो था, जो था एक तो ट्रांसलेशन किया तुगलक का, सुनो जर्म जो पहले नेमी जी के साथ बैठ के किया था इसलिए भी है, दूसरा पटेल स्कूल में बच्चों के साथ, और दिशांतर में हमने जो ड्रामा स्कूल के निकले हुए लोगों ने जो काम किया था, एक संस्था बनाई थी उसमें सारे जितने भी मेंबर्स थे सारे NSD के लोग थे, लेकिन सब के सब टीचर थे। उसमें मॉडर्न स्कूल के 3-4 टीचर थे, उसके अलावा फिर सेंट कोलंबस के BM शाह थे, और मीना विलियम्स मैं, और हम दोनों पटेल स्कूल के थे, डीडी पब्लिक स्कूल के भी 1-2 थे। मैंने एक तरह से वो एक ड्रामा स्कूल से निकले लोगों ने किया, और अच्छा अच्छा दिशांतर, वो एक दिशांतर में भी अनुभव हुआ और मुझे हाईवर्धन करने का मौका मिला, तो सक्सेसफुल एक तरह से हो गया था उस वक्त। दूसरा मुझे इनका आद्या जी के एक कवि चित्र पट करके, वो बहुत ही पॉपुलर प्ले है इनका आद्या जी का,